प्लीज स्टार्ट कीजिए। तो सब आप आरंभ कर सकते हैं। जी धन्यवाद जी। सभी आदरणीय यहाँ पर हमारे साथ में आज जितने भी योग के जिज्ञासु उपस्थित हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और सबसे पहले हम अपने आरसी चंडीगढ़ के जो हमारे मुखिया हैं आदरणीय तेजपाल जी का हृदय से अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनका कि हमें बीच बीच में ये आप सब लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता रहता है। तो आज जो मुख्य रूप से जो बात है, आदरणीय भाई डॉक्टर नीलेश जी ने पिछले दो दिन से आप लोगों को आपके सिलेबस के अनुसार जो चीजें हैं उनके ऊपर योग के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं, आज के जो टॉपिक है अपना उसमें इस योग के जो मुख्य रूप से जो योगी हैं, वैसे तो देखो योग अपने आप में इतना बड़ा एक अध्याय है कि उसमें काफी संख्या में योगियों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जिसको जैसा अनुभव हुआ उसने योग के बारे में अपनी तरफ से उसी तरीके से अपने शब्दों में उसको रखा है बातों, लेकिन सभी का अपना एक महत्व है और सभी ने अपनी तरफ से वो कोशिश करके अपनी अपनी चीजों को रखा है। सभी योगियों को शायद नहीं पढ़ पाए लेकिन कुछ एक जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में दिए हैं उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो एक बार इसको शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी एक बार सीधे कमर गर्दन अपनी सीधी रखेंगे और तीन बार ओम के उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र के साथ में इसका शुरुआत करते हैं। चलिए कमर गर्दन अपनी सीधी लंबी हरी श्वास के साथ में आगे बढ़ते हैं, तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए आप सभी को पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलिए एक बार हाथ को रब करते हुए धैर्य से लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो अपने इसमें परिचय की जहाँ बात है उसमें मुख्य रूप से सबसे पहला जो परिचय है वो है महर्षि पतंजलि का, क्योंकि महर्षि पतंजलि ही आप जब योग की बात करेंगे तो बिना महर्षि पतंजलि के योग की बात हो नहीं सकती। क्योंकि योग में जो पतंजलि योग सूत्र है वो पढ़े बिना समझो अपना योग कंप्लीट नहीं होता है। महर्षि पतंजलि जो है जिन्होंने इस योग सूत्र को सारे जहां भी जितनी भी योग की कोई बातें थी उन सब बातों को सभी मुख्य रूप से जो बातें थी उनको इकट्ठा करके और एक ग्रंथ जो उनका तैयार हुआ पतंजलि योग सूत्र, जिसमें 195 जो सूत्र हैं वो महर्षि पतंजलि के द्वारा ही रचित या संकलित है। हाँ, तो ये जो महर्षि पतंजलि जो अपने हुए
इनका जो जन्म काल है वो जन्म काल ही अपने आप में एक फिक्स नहीं है, क्योंकि महर्षि पतंजलि का जो जन्म काल है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि महर्षि पतंजलि दूसरी शताब्दी से पूर्व में उनका जन्म हुआ, कुछ लोग बोलते हैं तीसरी शताब्दी के आसपास में महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ। योग के जो सबसे प्राचीन संग्रह करता है वो महर्षि पतंजलि है, जो योग को व्यवस्थित तरीके से लेके आने वाले हैं वो महर्षि पतंजलि है। यहाँ एक बात समझनी होगी हमको कि जो महर्षि पतंजलि के बारे में जो समझ लो उपलब्ध सामग्रियां हैं, उपलब्ध टेक्स्ट हैं, वो ना के बराबर है, बहुत कम विवरण मिलता है उनका, क्योंकि उस समय ना तो इतना कुछ लिखने का या उसको सूचीबद्ध करने का सिस्टम था, तो उनके जीवन के बारे में भी जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, इतिहास में भी उसके बारे में अलग अलग कहा गया है, इसलिए बता रहे हैं उनका जन्म काल जो है कुछ लोग उसको दूसरी शताब्दी के दौरान का जन्म मानते हैं, कोई चौथी पांचवी शताब्दी के दौरान का जन्म मानते हैं, तो कोई एक मत नहीं है। लेकिन पतंजलि जी जो हैं ये मानो सबसे पहले जो योग को सूचीबद्ध करने वाले हैं वो महर्षि पतंजलि का ही नाम उनमें है, तो ऐसा कोई निश्चित कालखंड नहीं कहा जा सकता कि वो दूसरी शताब्दी के हैं या चौथी पांचवी शताब्दी के आसपास के हैं। तो महर्षि जो पतंजलि का जो नाम है वो भी उनकी आप ये मानेंगे कहानियां उसके ऊपर बनी हुई हैं, उसके अनुसार ही उनके जो नाम है उसका वर्णन किया गया है। उसके संबंध में काफी ऐसी बातें हैं महर्षि पतंजलि के संबंध में कि जिनकी लेके उनका नाम में पतंजलि रखा गया है, कि पतंजलि का जो अर्थ है जो अंजलि, इसमें जो पतंजलि जमा अंजलि, अंजलि जो आप बोलते हैं जो आपके हाथों में मतलब समझ लो आपकी जो हम हाथ करते हैं हाथों के अंदर अंजलि के अंदर जो अपने कुछ चीजें आके गिर जाए तो वो पतंजलि हो गया। तो एक बहुत पुरानी इस पे कथा उनके नाम पे बनी हुई है कि महर्षि पतंजलि की एक ब्राह्मण जो थे वो नदी के तट पर शाम को वंदन कर रहे थे, जब जल उन्होंने अपनी अंजलि में जल भर के और सूर्य देव को अर्पण किया तभी उन्होंने देखा कि एक नवजात शिशु आकाश मार्ग में उनकी अंजलि में आके मतलब ऊपर से और उनके हाथों में जो आके एक बच्चा जो है वो गिरा, तो वो उनका पालन पोषण उन्होंने किया और ये अंजलि में आके किया गिरा ऊपर से उसका, तो उसका नाम उन्होंने पतंजलि नाम रख दिया। लेकिन इस तरह की ना काफी कहानियां और भी बनी हुई है, कुछ लोग बताते हैं कि महर्षि पतंजलि जो थे वो भगवान शेषनाग के अवतार थे। इस प्रकार जो कुछ कथा में कहते हैं कि भगवान पतंजलि अपने शिष्यों को एक पर्दे के पीछे बैठ के पढ़ाया करते थे, शिष्य दूसरी तरफ होते थे और पतंजलि ऋषि दूसरी तरफ होते थे ताकि शिष्यगण उनके भौतिक शरीर को ना देख पाए, क्योंकि उनका जो शरीर के जो मोस्ट पतंजलि ऋषि की कुछ फोटोज आपको पुराने मिलेंगी, उसमें आधा सर्प का शरीर उनको मिलेगा और आधा मानव देह का जो शरीर मिलेगा, तो वो इसलिए पर्दे के पीछे बैठ के पढ़ाते थे कहीं उसके शरीर को देख के कोई डर ना जाए। तो पतंजलि ने ये आदेश दे रखा था कि कोई भी इस पर्दे को नहीं उठाएगा, लेकिन होता है ना सब में उत्सुकता होती है, तो किसी ने उस पर्दे को उठाया और उसने जो देखा कि वहां उधर एक सांप के मतलब हजारों फन वाले सांप के रूप में एक जो पतंजलि ऋषि जो थे उधर में बैठे हुए थे, और उन्होंने उस प्रकार सब पे मतलब एक कहानी बना ली, सब पे क्रोधित होते हुए उन सब बच्चों को उन्होंने श्राप दे दिया। तो इस तरह से कई बातें हैं, जैसे अभी कुछ लोग बताते हैं शंकराचार्य जी के जो दादा गुरु थे गौड़पाद नाम से, वो भी पतंजलि जी के ही शिष्य थे। तो ऐसे कुल मिला के मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि भगवान पतंजलि के जो बारे में जन्म के काल के बारे में जो बातें हैं वो कई तरह की किदवंतियों के ऊपर निर्भर कर रही है, तो फिक्स जो है उनका कोई ऐसा टाइमिंग उसमें विशेष रूप से नहीं दिया गया। तो आप कभी फोटो देखेंगे पतंजलि जी की, तो एक तो ऋषि पतंजलि की फोटो आती है, लेकिन जो पुराने कोई टेक्स्ट मिलेंगे उसमें आपको ऊपर से शेषनाग के अवतार के तौर पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि महर्षि पतंजलि का जन्म जो है कश्मीर में हुआ,
तो सबका मैं बता रहा हूँ अलग अलग इसमें मत है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। कोई विद्वान जो है अपने बताते हैं कि महर्षि पतंजलि जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के जो हैं उनका जन्म स्थान है। पतंजलि जो है शुंग वंशीय राजा पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित के यहाँ पे राजगुरु थे। उनके पिता जो थे कुछ उन्हें तमिलनाडु से जोड़ते हैं। तो मैं ये सारी बात इसलिए केवल बता रहा हूँ आपको कि आपको ये एक पता मोटा मोटा पता लग जाए कि जो एक फिक्स कुछ भी नहीं है। हम कोई भी ये कहते पतंजलि का जन्म इस समय या इस जगह पर हुआ था, इस बारे में अनेक बातें हैं जो बहस का विषय है, तो उनकी तरफ हम ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन जो महर्षि पतंजलि जो थे वो उनके लिए जो कहते हैं उनका नाम जब उनका स्मरण करते हैं अपने आप में, तो एक श्लोक उनको स्मरण के लेके बड़ा प्रचलित है जो रामभद्र दीक्षित जी ने लिखा हुआ है, जिसको आप जब भी कोई आयुर्वेद की जहां कोई बात होगी तो वहां पे इसको जरूर बोला जाता है इस श्लोक को, जो है योगेन चित्तस्पदेन वाचा मलम शरीरम च वेदिकेन योग प्रवक्ता प्रवर मुनिना पतंजलिम प्राणंजलि रोक्तमस्मि। तो ये उस पतंजलि मुनि को नमन करते हुए योग दर्शन जिन्होंने हमारे लिए बनाया, ऐसे उस पतंजलि ऋषि को हमारा बारंबार नमस्कार है जिन्होंने योग दर्शन के द्वारा चित्त शुद्ध व्याकरण महाभाष्य के द्वारा वचन की शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर की शुद्धि का उपाय बताया। ये जो है महर्षि पतंजलि को प्रार्थना उनकी उनको नमन करने का एक श्लोक जो टेक्स्ट में मिलता है। तो जो अनेक विद्वानों ने उनके बारे में लिखा, अब महर्षि पतंजलि जो केवल योग की शुद्धि की बात या चित्त की बात नहीं करते, महर्षि पतंजलि का जो नाम आता है तो उनका नाम एक व्याकरण के रूप में भी, एक व्याकरण के जानकार के रूप में भी आता है। उनके जो रचित जो है पाणिनि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य जो लिखा हुआ है, तो महर्षि पतंजलि के व्याकरण के अगर जिक्र आएगा तो पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है वो भी मतलब इनके द्वारा लिखा हुआ है। इनके ऊपर जो लिखी गई महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये अपने आप में। तो हम ये कह सकते हैं कि ना केवल शरीर की बात बल्कि व्याकरण की शुद्धि की बात भी है, चित्त की शुद्धि की बात भी है जो हमारे महर्षि पतंजलि जी ने लिखा हुआ है, उन्होंने जो सूत्रबद्ध किया हुआ है। अब जो सबसे प्रचलित इसमें अपनी परिभाषा है योग में, वो योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध। तो जो ये परिभाषा इसमें है ये महर्षि पतंजलि के द्वारा जो अपना दूसरा सूत्र इसमें जो 195 सूत्र हम जो बता रहे हैं इसमें से ये दूसरा सूत्र है जिसको जब कोई भी योग की परिभाषा पूछता है तो महर्षि पतंजलि के अनुसार जो योग की परिभाषा है तो उसमें जो है परिभाषा जो निकल के आती है वो यही आती है। जो पतंजलि योग सूत्र जो है या पातंजलि योग ग्रंथ जिसको बोलते हैं, इसको चार भागों में बांटा गया है। जो उन्होंने ये सारी जो योग की प्रचलित पद्धतियां थी उन सबको इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करने के बाद एक सुव्यवस्थित तरीके से पातंजलि योग सूत्र के रूप में उसको जाने जाना लगा। तो उसमें जो पहला भाग है वो समाधिपाद कहलाता है, दूसरा भाग जो है वो साधनपाद कहलाता है, और तीसरा भाग जो है वो विभूतिपाद, और चौथा भाग जो है वो कैवल्यपाद पाद जो है। अष्टांग योग की जो हम चर्चा करते हैं, अष्टांग योग, तो अष्टांग योग जो है वो महर्षि पतंजलि का दिया हुआ ही अष्टांग योग है। अब इसके ऊपर जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है इस ऊपर सबसे पहले जो है इसको जिन्होंने एक सरल भाषा में लिखा, तो व्यास जी ने जो टीका उसके ऊपर लिखी सबसे पहले उन्होंने इसको सरल भाषा में ट्रांसलेट किया जो अपना योग सूत्र है उसको। मतलब ये जो हम योग सूत्र पढ़ते हैं तो ये नहीं है कि ये महर्षि पतंजलि लिखा है, ये इसका जो ट्रांसलेशन है जो वो कहीं ना कहीं व्यास जी ने सबसे पहले किया हुआ है।
इसके अलावा जो है पतंजलि जो योग सूत्र, इसको वाचस्पति, मिश्र और भोजराज आदि ने भी इनको अपने अपने तरीके से सूत्रबद्ध इस ग्रंथ को बताया है। इसको अलग अलग अपने अपने लैंग्वेज में इसके बारे में बोला गया है कि क्योंकि हर आदमी का अपना बताने का और अपना लिखने का उनका तरीका सबका अलग है। तो जो हम बता रहे हैं, अभी व्यास जी ने इसको सबसे पहले ट्रांसलेट किया, उसके साथ में वाचस्पति मिश्र जी हैं या भोजराज जी हैं, इन्होंने भी इसको ट्रांसलेट अपने अपने लेवल पे किया। तो पतंजलि जो योग सूत्र है, वो इनकी जो सबसे मेन जो कृति है वो पतंजलि योग सूत्र है, जिसमें अष्टांग योग जो प्रचलित है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और जो समाधि जो बात आती है, वो अष्टांग योग का जो देन है, जो पूरी जीवन जीने की एक कला है, वो महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई है। महर्षि पतंजलि ने जो ये अष्टांग योग हमें दिया, इसके माध्यम से एक सामान्य श्रेणी का कोई भी साधक अपने आप को समाधि के लेवल तक लेके जा सकता है। ये सब जो है बेसिक, जो एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए आदमी किस तरह से अंतिम पड़ाव को पार कर सकता है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो सबसे ज्यादा अपने प्रचलित हैं, जिनके ऊपर विशेष रूप से फोकस किया जाता है, वो ये अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि का। इसके अलावा जो सारी इसमें बातें शामिल हैं 195 सूत्रों के अंदर, जिसमें लेके चित्त की वृत्तियों से लेके, और जो आप आगे पढ़ेंगे सारी चीजें, आपका किस तरह से चित्त की कितनी वृत्तियां हैं, कितनी चित्त की भूमियां हैं, कैसे उनको शांत किया जाए, कैसे ध्यान की तरफ बढ़ा जाए, हर व्यक्ति को ये जो 5 यम और 5 नियम है, इनका पालन हम मोस्टली ना जब भी कभी बात करते हैं इनकी, तो हम सीधे ध्यान की बात करते हैं। कहीं भी हम बैठेंगे ध्यान की बात करेंगे कि भाई मेडिटेशन कैसे होता है, यार बताओ मेडिटेशन कैसे होता है। लेकिन मेडिटेशन से पहले तो जो महर्षि पतंजलि ने जो यम नियम का अभ्यास करवाया है, उनका हमें अभ्यास करना है। तो हम महर्षि पतंजलि के बारे में इतना कह सकते हैं कि उनके द्वारा दिया गया ये जो टेक्स्ट है पतंजलि योग सूत्र, ये अपने आप में बहुत ही लाभकारी और एक वो कहते ना आम आदमी के जीवन में काम आने वाली एक विशेष ग्रंथ जो है हमारे पास में ये है, जिसका हम सब लाभ उठा सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसके सूत्रों को, इसके जो ऊपर जो दिनचर्या बताई गई है, इसके व्यवहार बताया गया है, उन सबको हम देखकर, उनको सीखकर हम इसको लाभ ले सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित ये योग सूत्र हमारे को सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए। उनकी अगर कोई पूछे तो ये पतंजलि योग सूत्र जो उन्होंने लिखा है वो है। चलो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे जो इनके जो आप पढ़ेंगे आगे कि साधन पाद, समाधि पाद, इसमें क्या क्या कहाँ, वो तो एक पूरा आपका और चैप्टर रहेंगे, उसमें आप पढ़ते रहेंगे सारी चीजों को। इनके द्वारा जो दी गई है मेन परिभाषा है वो योगश चित्तवृत्त निरोध है। शुरुआत जो करते हैं अथे योग अनुशासन, अनुशासन के साथ शुरुआत करते हैं। इन्होंने पहला ही सूत्र लिखा हुआ है अथे योग अनुशासन, अनुशासन के साथ में शुरुआत करें योग की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एक जीवन परिचय की तरफ। दूसरा जीवन परिचय जो है वो है हमारा आदि गुरु शंकराचार्य जी का। आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम तो आपने सभी ने सुनी रखा होगा कि शंकराचार्य जी अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ उत्तराखंड में के फोटो जो बहुत बड़ी प्रतिमा आदि गुरु शंकराचार्य जी की लगाई थी अभी पीछे कुछ दिन पहले, आपने सुना भी होगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं
वो अपने आप में एक जीवंत उदाहरण है कि योग को किस तरह से किस लेवल तक साधा जा सकता है। उन्होंने वो सारी एक बचपन में ही, वो कहते हैं बिल्कुल कम उम्र में, उन्होंने वो सब सिद्धियां हासिल कर ली जो बहुत बड़े कोई लंबी तपस्या करने के बाद भी कोई आदमी जो काम ना कर पाए, वो एक बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये हासिल कर ली थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं, बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। उनका जो कहते हैं ना, बचपन से ही मन इस ग्रस्त जीवन से विमुख था। वो पहले से ही ये चाहते थे, भाई मैं तो अपना कहीं संन्यास परंपरा और उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए वो बचपन से ही वो थे, आतुर थे उस चीज के लिए। शंकराचार्य जी जो हैं, उनके बारे में तो ये लगभग ये मान के चलो कि 9वीं शताब्दी जो पूर्व है, BC पूर्व जो है, उन्होंने मतलब उनका जन्म का जो समय है उस समय का है उनका, और केरला के अंदर उनका जन्म स्थान है आदि गुरु शंकराचार्य जी का, जो आपकी सारी चीजें, वैसे तो टेक्स्ट में सब चीजें आपकी जो बुक है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं, केरला के अंदर उनका जन्म स्थान है, और जो उनके बारे में जो मेन जो बात है, बचपन से ही उनका सारे जो 16 संस्कार के साथ में, उनका कहते हैं चूड़ाकर्म के साथ में, यज्ञ उपवीत के साथ में, उनका जो गुरुकुल में जो उनकी विद्या हुई, वहां से उन्होंने अपनी जो पढ़ाई पूरी करते करते उनका उनके बारे में बताया गया। उनका मन था दीक्षा लेने का, लेकिन उनकी इकलौती संतान होने के कारण उनको उनकी माँ ने कभी दीक्षा लेने नहीं दी, उन्होंने संन्यास दीक्षा नहीं लेने दी कभी। तो उनके बारे में बताते हैं कि शंकराचार्य जी एक बार जब अपनी माँ के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, जब वो अपनी माँ के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, तो उस दौरान स्नान करने के दौरान उनका जो पैर है वो मगरमच्छ ने जकड़ लिया। लेकिन जब वो छुटवाने से, मतलब अपने कोशिश करने से छुटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं छुट पा रहे थे पैर उनको, तो उन्होंने अपनी माँ से निवेदन किया कि माँ मैं सन्यासी होके मरना चाहता हूँ, तो आप मुझे सन्यास के लिए हाँ बोल दो, ताकि मैं सन्यास ग्रहण करते हुए अपने प्राण त्याग लूँ। तो जैसे ही उसकी माँ ने उनको सन्यासी होने के लिए परमिशन दी, तभी उस क्रोकोडाइल, उस मगरमच्छ ने उनके पैर को छोड़ दिया, और उसको बोलते हैं आतुर संन्यास। तो जो है वो आतुर संन्यास उन्होंने ग्रहण किया, और जैसे पैर को छोड़ दिया और बाहर निकल के आए, तो उन्होंने मतलब उनकी माँ ने फिर कहा नहीं, आपको संन्यास नहीं लेने देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने माँ वचन दिया है, तो अब संन्यास ग्रहण करके जी। तो ये कोई हाथ हैंड रेज कर रहा है, प्राची जी आपका माइक, हाँ ठीक है साइलेंट रख लें, कोई बात है उसको हम बीच में ले भी लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा समय के बाद ना थोड़ा सा चलने देंगे आगे, ताकि उसके बीच में फिर हम अपनी और कोई बात होगी उसको हम ले लेंगे। तो मैं बता रहा था कि शंकराचार्य जी ने जो है आतुर संन्यास उन्होंने लिया। उनके जो गुरुजी थे गोविंद भगवा पाद जी, उनके फिर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करते हुए और उनके बताए हुए रास्ते पे वो चले। उन्होंने जो मुख्य रूप से जो है वेदों के ऊपर काम किया, वेद और उपनिषद के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया,
उनके जो वेदांत सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, अपने उपनिषद हैं, ये सब उनकी बनाई हुई कृतियां हैं। उन्होंने जितने अपने उपनिषद में इस के कंठ उपनिषद जो आप प्रसन्न मांडुक्य जो उपनिषद के बारे में जो आप पढ़ते हैं, ये सब उपनिषदों को इन्होंने ही संकलित किया और इन्होंने काफी मतलब जो है कृतियां लिखी हैं, जिसमें गीता भाष्य से लेके और पंचकर्णम आनंद लहरी ये सब जो आपके जो टेक्स्ट हैं इनको, और जो मोस्टली जो अगर बात आप शंकराचार्य की बात में कंसेप्ट की बात करेंगे तो शंकराचार्य जी अद्वैत के जो पक्षधर थे और उनके द्वारा जो है सारे वेदों का अध्ययन करते हुए और उपनिषदों की जो उन्होंने मतलब अपने लैंग्वेज में उनको सबको वेदों को उनको बना के लिखने का काम किया। अपने जो हम बात कर रहे थे अपने जीवन काल में जब इन्होंने शंकराचार्य जी ने पाखंड को दूर करने के लिए अंधविश्वास को दूर करने के लिए जो इन्होंने मुहिम चलाई, जो शंकराचार्य जी बताते हैं जो अपने आज के दिन जो हम काशी या वाराणसी जिसको बोलते हैं, तो वाराणसी जो है सबसे बड़ी नगरी है जहां से धर्म कर्म की सारी चीजें पूरे मतलब देश में फैलती हैं। तो जब शंकराचार्य जी कभी अपना प्रचार करने के लिए सारे जो पाखंडों को दूर करने के लिए, क्योंकि उस दौरान एक अपने आप में बहुत ज्यादा पाखंड प्रचलित था और जो तार्किक बात थी, जो वेदों पर आधारित जो बात थी, जो वेदों का जो ज्ञान था वो नहीं चल रहा था, कहीं ना कहीं पाखंड की तरफ ज्यादा चल रहे थे। तो शंकराचार्य जी ने वेदों के ज्ञान को फैलाने के लिए पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया, स्पेशली ताकि हम वेद को सबको समझा पाए, और वो उसको भ्रमण करने के लिए पूरे देश के अंदर निकले। तो मेन जो जगह थी वाराणसी, वहां वो पहुंचे तो वहां पर जो आप ये मान के चलो कि जो मेन कहते ना मतलब जो गढ़ था वाराणसी के अंदर, उस दौरान वो जो अपना प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने देखा कि भाई एक महात्मा यहाँ पे कोई प्रचार कर रहा है वेदों का, तो क्यों ना उसको शास्त्रार्थ के लिए आपस में बुलाया जाए ताकि जो श्रेष्ठ हो उसको फिर माना जाए। तो शंकराचार्य जी बताते हैं उस दौरान कि वो दरभंगा के पास में जो अपना सॉरी वाराणसी के अंदर जब वो घूमते हुए उन्होंने एक वहां के जो मशहूर पंडित थे मंडन मिश्रा के नाम से, और मंडन मिश्रा के साथ में फिक्स हुआ कि भाई आप डिबेट करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है इसमें। वो वेदों के आधार पर अपनी बात रखना चाह रहे थे और उधर से वो अपनी बातें रखना चाह रहे थे। तो आप एक चीज महसूस या अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जब कोई दो श्रेष्ठ विद्वान अगर कहीं आर्गुमेंट का जो या वाद विवाद की जो बात हो रही है, तो वहां पर फाइनल हुआ कि वाद विवाद शुरू होगा लेकिन जज कौन बने। तो आपने अगर पढ़ा हो तो कोई बता सकता है कि ऐसे जो दो विद्वान रहे होंगे उन विद्वानों का जज कौन बना होगा वहां पे? जजमेंट भी तो कोई करेगा ना, तो कोई भी एक बात बताएगा कि वहां पे जजमेंट किसने किया होगा? चलो कोई बात नहीं, आप अभी थोड़ा साइलेंट मोड में हैं, बाकी आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा और आप मैं चाहूंगा कि अपने जो जिस दिन जैसे जो चीजें हो उसको थोड़ा सा आप देख भी लें ताकि आपको भी आसानी रहे, कोई चीज मन में हो तो उस बात को हम पूछ भी सकें और उस पर चर्चा भी हम भी कर सकें। तो मैं कह रहा था कि वहां पे दोनों की शुरुआत हुई कि आपस में आर्गुमेंट होगा मंडन मिश्र जी और शंकराचार्य जी,
दोनों बैठे हैं, जज के लिए फाइनल होना है कि कौन जजिंग करेगा। तो जजिंग करने के लिए मंडन मिश्र जी की पत्नी जो है उनको निमित किया गया। अब कितना श्रेष्ठ उस समय आचरण रहता होगा, रहा होगा कि भाई दो लोग का विवाद हो रहा है और उनकी पत्नी को, एक की पत्नी को वहां पे जजिंग के लिए अलाउ कर रखा है। तो मंडन मिश्र जी की पत्नी को वहां पे जजमेंट के लिए बैठाया गया और इतनी तपस्विनी थी वो विद्या भारती जी कि उन्होंने एक एक माला, फूलों की माला दोनों के गले में डाल दी और उनका जो कहते तप या उनकी जो भी वो रहा होगा कि जिसकी माला पहले, जिसके फूल जो है मुरझा जाएंगे तो समझ लो वो बंदा हारने की तरफ जा रहा है। विवाद जो वाद विवाद का जो था सत्र वो काफी दिन तक चला। एक समय ऐसा आता गया कि मंडन मिश्र के गले में पड़ी माला जो है मुरझाने लगी और उनकी पत्नी को आभास हो गया कि अब ये हार की तरफ जा रहे हैं। तो जब हारने की कगार में पहुंचे तो मंडन मिश्र जी की पत्नी ने बात रखी कि भैया मैं जो है इनकी अर्धांगिनी हूं और जब तक मैं नहीं हारूंगी तब तक हार नहीं मानी जाएगी। मंडन मिश्र जी की पत्नी ने शास्त्रार्थ शुरू किया आगे और उन्होंने काम शास्त्र में शंकराचार्य जी को फंसा दिया ले जाकर। तो शंकराचार्य जी जो थे उनको काम शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था तो वो वहां से लगे कि भाई थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहे हैं। तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए समय मांगा। अब जब हम बोलते हैं योग की सिद्धियां, अणिमा लघिमा लक्षिमा गरिमा जो ये सिद्धियां हैं योग की, तो वो सिद्धियां भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शंकराचार्य जी की जीवन कितना श्रेष्ठ रहा होगा कि कितनी उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी कि शंकराचार्य जी ने वहां से कुछ दिन के लिए विराम लिया। एक डे फिक्स हुआ कि हम 21 दिन बाद फिर मिलेंगे और फिर से हम शास्त्रार्थ यहाँ पे करेंगे। एक समय फाइनल कर लिया उन्होंने। शंकराचार्य जी समाधि में बैठे, ये उनके जीवन की बहुत रोचक कहानी मुझे लगी जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, ये कि वो कितने श्रेष्ठ योगी रहे होंगे और कितनी उनके पास सिद्धियां रही होंगी जिन्होंने, जिनका नाम आज तक इसीलिए लिया जा रहा है कि उनकी दम था कुछ ना कुछ उनके अंदर। तो शंकराचार्य जी ने वहां से छुट्टी लेके अपने आप को, ना वो कहते हैं थोड़ा सा बीच में गैप लिया और वो वहां से गए अपने आश्रम में। वहां उन्होंने ध्यान किया तो ध्यान करने के बाद उन्होंने देखा कि निकट में कोई एक राज्य है जहां पे राजा की डेथ हो चुकी है। इसको बोलते हैं परकाया प्रवेश की जो कंसेप्ट में बता रहा हूं कि उन्होंने उस राजा के अंदर आत्मा की अपनी प्रवेश करने की ठानी और जब वो ध्यान में बैठे तो अपने शिष्यों को बोल के गए भाई मेरे शरीर को कोई नहीं छुए, मैं ध्यान में जा रहा। तो वो इतना ध्यान में गए और ध्यान से जाते जाते उसकी काया में, राजा की काया में प्रवेश कर गए। राजा की काया में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वहां पर दोबारा वो जैसे राजा जिंदा हुए और वो वहां पे वो कहते ना पूरा राजपाट वाले तरीके से उन्होंने जीवन जिया और जीवन जीते जीते वो भोग विलास में इतना वहां पे मतलब उस ग्रस्त सिस्टम में घुस गए कि उनको पता ही नहीं लगा कि मेरा कहीं पे आपस में कंपटीशन भी चल रहा है, शास्त्रार्थ चल रहा है। इधर जब उस राजा का दोबारा से जीवित होना देखा गया तो उस राजा के वहां पे कोई जो विद्वान थे उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई ना कोई इसके शरीर में ऐसे हो सकता प्रवेश किया हो, तो देखो कहीं आसपास में कहीं कोई ध्यान लगा के बैठा तो नहीं है, कोई अपनी भक्ति या ध्यान में लीन हो वो जिसने प्रकाय प्रवेश किया हो। तो इधर से तो उन्होंने सैनिकों को भेजा कि
पता लगाया जाए कि आसपास के इलाके में कहीं ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो। दूसरी तरफ जो शंकराचार्य के जो शिष्य थे उन्होंने देखा कि स्वामी जी को तो काफी दिन हो गया लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना हुई हो तो वहां हमें जाके देखना चाहिए। तो देखो वो सैनिक तो आ रहे हैं जंगल की तरफ और जो शिष्य जा रहे हैं महलों की तरफ, तो वहां पता लगा कि ऐसे ऐसे एक राजा दोबारा से जीवित हुआ है, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि हमारे स्वामी जी यहीं पे। तब उन्होंने जाके वहां उस महल में सत्संग किया, भजन किए, और सत्संग भजन करने के बाद उनको दोबारा से वो चीजें माहौल बना तो उनको चीजें याद आई और वहां से वो फिर वापस अपने शरीर में प्रवेश किए। जब वहां पे पहुंचे तो पता लग रहा था, कहते हैं कि उनके शिष्यों के आपस में झगड़ा हो रहा था, शिष्य शरीर बॉडी को छोड़ नहीं रहे थे, सैनिक बॉडी को उठा के लेके जाने की सोच रहे थे, तो वहां मतलब एक विवाद होते होते फिर वो उनमें वो वापस प्रवेश किए और फिर जाके उन्होंने वो दोबारा से शास्त्रार्थ किया मंडन मिश्र की पत्नी के साथ में भी, और वहां फिर वो उस पर विजय हुए। तो मंडन मिश्र ने उनको अपना गुरु मान लिया शंकराचार्य जी को। तो इतना संघर्ष के साथ में वेदों का प्रचार उन्होंने किया, जहां पे बहुत लंबा लंबा शास्त्रार्थ करके लोगों को डिबेट में मतलब अपना बना बना के उन्होंने, और इसी तरह फिर उन्होंने जो ये तो एक उनके जीवन का विशेष इसलिए था कि हम योग की जो प्राकाष्ठा जिसको बोलते ना कि दूसरे शरीर में प्रवेश करने की कला भी उनको आती थी, इसलिए हमने इस बात का जिक्र कर दिया, अदरवाइज तो इतना लंबा जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस वेदों को वेद के ज्ञान को फैलाने के लिए क्या बनाया, मठ की स्थापना की, और जो ये चारों दिशाओं में चार मठ की स्थापना उन्होंने समय की। तो जो गोवर्धन मठ उन्होंने बनाया, द्वारिका मठ जो है जिसको काली के नाम से वेस्ट द्वारका में बोलते हैं, ज्योतिसर मठ जो है वो आश्रम नॉर्थ में है, और शारदा पीठ जो बोलते हैं जिसको शारदा श्रृंगेरी मठ जो बोलते हैं वो शारदा पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिनको चारों दिशाओं में चारों मठ स्थापित करने के बाद, पहले अपने ये चलता था कि जो मठों से जो बातें आएंगी वो सब उसका पालन करेंगे, लेकिन अब कालांतर में धीरे 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 वो चीजें कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। और शंकराचार्य जी जो अब आजकल जो शंकराचार्य जी हैं वो इन प्रचार प्रसार को छोड़ के और कहीं ना कहीं रेस्ट मोड में चले गए हैं। अदरवाइज तो जिन्होंने इतनी मेहनत की आचार्य स्वामी शंकराचार्य जी ने, तो वो पूरी इस जगत के कल्याण के लिए घूम घूम के उन्होंने वेद को फैलाने के लिए संकल्पबद्ध रहे, जिनका एक फेमस जो वाक्य है वो था जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ये उनका जो। और उन्होंने भी देखो उस उन्होंने जो 15 स्टेप्स उन्होंने जो अपने निधि ध्यान में एक उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ योगा, देखो स्पेशली इसमें इस चीज का जिक्र किया है कि उन्होंने महर्षि पतंजलि के यम नियम को लेते हुए अपनी और चीजों को जोड़ के एक 15 स्टेप का एक अपना जो योग की एक विधि उन्होंने दी, जिसमें यम नियम से लेकर बाद में उन्होंने त्याग, मौन, देश, काल, फिर आसन, मूलबंध, देहसाम्य, दृष्ट स्थिति, त्राटक, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये उन्होंने 15 स्टेप का उन्होंने वो बनाया प्रैक्टिस, एक चार्ट प्रैक्टिस रूट मैप कि जिसको प्रैक्टिस करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन के अंदर। योग का तो अष्टांग योग की उसने 8 अंग शामिल किए, और जो अपनी तरफ से उनका जो था जो अनुभव उसको उन्होंने इसमें शामिल किया। और
सत्संग के बारे में भी इन्होंने काफी मतलब जोर दिया है, ताकि ये जो हमारे मेनली अगर शंकराचार्य जी की बात करें तो आप ये समझें कि शंकराचार्य जी जो थे वेद के उपासक थे, वेद के साथ साथ में उन्होंने उपनिषदों का विस्तार, वेद का ज्ञान फैलाने का काम शंकराचार्य जी ने किया, मठों की स्थापना का काम शंकराचार्य जी ने किया, जिसके प्रताप से जो ये चारों जो मठ चारों तरफ बनाए, और उनके द्वारा भी जो काम किया गया, वेदों का बिल्कुल प्यूरिफाई एक कंसेप्ट पढ़ाने का, वेद को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया, क्योंकि वेदों में भी बीच बीच में आके लोगों ने मिलावट शुरू कर दी थी, तो उन्होंने बिल्कुल शुद्ध रूप जो है वेदों का उन्होंने निकाला, और सोसाइटी को उस वेद को देने के लिए जो वैदिक टीचिंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी देने के लिए उन्होंने जो स्थापना की, वो मठ की स्थापना की, चार मठ उन्होंने स्थापित किए, जिससे सब लोग वहां पे जाके और वेद का ज्ञान ले सकें, वेद को पढ़ सकें, ये उन्होंने विशेष रूप से काम किया। और तो इसके बारे में बाकी तो देखो बारीक की तो बहुत चीजें हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, वो कहते हैं जितना पढ़ ले उतना कम है, इतनी चीजें उन्होंने शंकराचार्य जी ने लिखी हैं। ये था हमारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात। देखो जितने भी गुरु हैं सभी ने अपना अपना अनुभव और समाज के लिए उन्होंने जो दिया है, इसलिए उनको इस क्षेत्र में याद किया जा रहा है, अन्यथा तो कौन याद करता उनको। अब जो ये अष्टांग योग था, ये अपने महर्षि पतंजलि ने भी इनका पालन किया, शंकराचार्य ने इनको शामिल किया हुआ है, तो ऐसे ही अष्टांग योग के साथ साथ में जो अठियोग की जो परंपरा थी, अठियोग की परंपरा भी अपने आप में बड़ी प्रचलित रही है। अठियोगियों में जो मुख्य जो नाम आता है वो है गुरु गोरक्षनाथ का। अच्छा एक बात बताओ, महर्षि पतंजलि और आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने जो कॉमन एक बात रही वो क्या रही होगी, कोई बताएगा क्या, कि दोनों ने कॉमन किस बात को फॉलो किया, या दोनों में जो समावेश है वो किस चीज का है। बहुत बढ़िया जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, अष्टांग योग का जो है दोनों में समावेश है, दोनों ने अष्टांग योग का पालन किया। उधर उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया महर्षि पतंजलि ने, और जो आदि गुरु शंकराचार्य जी है उन्होंने भी अष्टांग योग के बारे में अपना जो अपने एक स्टेप में शामिल किया उन्होंने। जी अभी हैंड रेज कर रहे थे, चलो एक बार 2-4 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, किसी का कोई मन में शंका हो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई जो कुछ पूछना चाह रहा हो तो बोल सकता है, अभी हम 2-4 मिनट के लिए रेस्ट मोड पे हैं, अभी तो मैंने हैंड रेज देखा था, कहाँ गई। चलो कोई बात नहीं, आगे चले तो फिर बोले जी हम तो सुन रहे हैं, आप बोले जाओ जो बोलना है, हम ना बोलेंगे ना कुछ पूछेंगे ना बताएंगे कुछ, आपको कुछ हमें बता दो या तो कम से कम या कुछ हमसे बोलो, तो 2-4 बातें आप बोलो या पूछो तो लगेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, नॉट टू डिस्टर्ब यू, ओनली वी आर नॉट टॉकिंग। ओके ओके ओके। नहीं अभी हमने बोला ना 2-4 मिनट के लिए हम बोलेंगे,
बोलना चाह रहे हैं कि कोई जो कुछ आप कहना चाहें कह सकते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़े उसमें ना। It is the first time we are hearing. Naturally, there is nothing what we can put forth. That is the reason. What, sir? This is since new subject and it is Greek and Latin for us. And therefore, nothing to add. That is why we are not talking. Okay. Thank you. Shalini ji, aap kuch kehna chah rahe hain? Yes, namaskar, sir. सर आपने अभी मठों की बात की, शंकराचार्य जी ने चार मठों की स्थापना की, तो एक श्रृंगेरी मठ मुझे याद है, उसके अलावा और कौन से मठ हैं एक बार बताएंगे प्लीज। अच्छा, उसके अलावा कौन कौन से मठ हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चार मठ, हाँ जी, चार मठों की स्थापना की है। उसमें उन्होंने श्रृंगेरी मठ जो है ये तो अपना एक जोन में ईस्ट के अंदर श्रृंगेरी मठ बनाया ना। एक मिनट जरा मैं भी थोड़ा सा उसको जी, उन्होंने जो चार मठ बनाए ना उसमें एक है गोवर्धन मठ जो है, गोवर्धन, तो ये है जगन्नाथपुरी में गोवर्धन। दूसरा जो है द्वारका, जिसको आजकल काली के नाम से जानते हैं, वो द्वारका वेस्ट में है। तीसरा है ज्योतिषर जो नॉर्थ में है। चौथा जो है ये शारदा या श्रृंगेरी मठ के नाम से जिसको बोलते हैं शारदा पीठ, ये। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, फर्स्ट टाइम सुन रहे टॉपिक के बारे में, तो इसमें देखिए वैसे हम भी बताएं बात आपको कि हम इतना नहीं कि सारी हमने चीजें पढ़ के रखी हुई हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ेंगे, योग की तरफ आप जितना बढ़ेंगे धीरे धीरे, और आप इन योगियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने कभी इनके शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ा, तो मैंने ये हम जो कहानी बात कर रहे थे इसमें सबसे बड़ी जो बात आप देखेंगे कि इसमें कितना विश्वास की परंपरा कायम हो रखी है कि भाई आज के दौरान अगर हमारा बच्चा किसी के साथ कंपटीशन करता हो और हम ये कह सकते हैं कि आप दूसरे के फादर को या मदर को, पेरेंट्स को, कि आप इसके जजिंग करें, नहीं कह सकते, क्योंकि इतना हमारे अंदर विश्वास भी नहीं है आज का जो माहौल है। और वहां उनकी पत्नी को सौंपा गया वो दायित्व, तो वो अपने आप बहुत बड़ी, और उस दौरान की आप समझ सकते हैं कि कितना वो रहा होगा विश्वास का एक। चलिए, तो ये तो जो थे अष्टांग योग को साथ में लेके चलते हुए, अब आगे बढ़ते हैं हम गुरु गोरखनाथ जी, जो नाथ परंपरा के अनुयायी थे। जिस नाथ परंपरा के अनुयायी आज कौन है, अपने इधर योगी आदित्यनाथ का जो नाम हम सुनते हैं, तो वो भी नाथ परंपरा, उन्हीं गुरु गोरखनाथ की परंपरा के ही अनुयायी हैं वो। तो बहुत ही शीर्ष सत्र की जो है नाथ परंपरा रही है। नाथ परंपरा का वर्णन भी, क्योंकि पुराना है सिस्टम ये भी, तो ज्यादा स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन काफी जगह बातों में और जो लोक कथाएं जिनको बोलते हैं, तो ये समय के अनुसार और जगह के अनुसार कथाएं बन रही थी, नई नई कहानियां, अलग अलग स्टोरीज जो हैं उनके बारे में कहा गया। कोई प्रॉपर फाइनलाइज नहीं है कि भाई नाथ परंपरा कहां से और कैसे हुई है, शुरू हुई है, लेकिन काफी लोगों को जो आपस में जब जिन्होंने ना रिसर्च जिन्होंने की होगी, तो उन्होंने एक मत होके कुछ चीजें रखी हैं, जिनको हम आगे बात करते हैं। जैसे वैसे तो जैसे ऋषि पतंजलि के बारे में कहा गया है स्थान समय अस्पष्ट है, ठीक उसी तरह गोरखनाथ जी के विषय में भी यही बात बोली गई है कि उनका भी कुछ स्थान और समय जो है फिक्स नहीं है। दसवीं शताब्दी में जो है लगभग बताते हैं, दसवीं शताब्दी के दौरान शंकराचार्य जी के बाद में जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था गुरु गोरखनाथ जी का, उन्होंने अपने मतलब प्रचार प्रसार था वो उनका था।
अब लोग बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी है 10वीं शताब्दी से लेके और 17वीं शताब्दी तक विद्यमान रहे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो 10वीं शताब्दी से लेके और 17वीं शताब्दी तक किसी का रहना अपने आप में एक असंभव सी बात लगती है। इसलिए हम कहते हैं कोई फिक्स इसमें नहीं बताया गया कि कौन से समय से लेके कब तक का उनका कालखंड है, बाकी 10वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी की बात की जा रही है। मोस्टली टेक्स्ट में उनके बारे में बताया गया कि गोदावरी नदी के तट पर चंद्रगिरी नाम का कोई स्थान बताया है जो महाराष्ट्र में नासिक के पास में है, वहां पे इनका जन्म का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग गोरखनाथ को पंजाब का बताते हैं, कुछ लोग द्वारका के जगह का बताते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी के बारे में भी जो बातें हैं, जैसे महर्षि पतंजलि के बारे में कुछ बातें हैं, उसी तरह से इनके बारे में भी। ये अपना एक्चुअली मैंने हॉटस्पॉट को वो कर रखा था और ये हॉटस्पॉट से उसका शायद टाइम वो होने से वो डिसकनेक्ट हो गया हॉटस्पॉट। अब दोबारा से हम इस पे जुड़ पा रहे हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि जो गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में जो बोला गया है कि उनकी माता जी जो दुखी कि कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है, तो उसी दौरान जो है एक कोई संत महात्मा उधर गांव में आए हुए थे और उन्होंने उनको एक भस्म जो हम बता रहे थे वो उनको दी खाने के लिए कि ये आप भस्म लो और अपने खा लेना, तो उसके बाद आपको पुत्र की प्राप्ति साथ में हो जाएगी, अपना सांसारिक जीवन जियो। लेकिन जब वो उस भस्म को लेके गए तो किसी ने उसको बहका दिया कि इससे कुछ नहीं होना जाना, उसने वो उठा के और वो कूड़े में डाल दी, जो पशुओं के गोबर का जो ढेर होता है ना जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे
लोकल भाषा में कूड़ी जो बोलते हैं उसमें ढेर में गोबर के ढेर में डाल दिया, और 12 साल के बाद बताते हैं कि वो दोबारा से अवधूत जो महाराज जो थे वो दोबारा कहीं आए तो उन्होंने पूछा भाई बच्चा कैसा है आपका कहाँ है, तो उस औरत ने बताया कि भाई मैंने तो ध्यान नहीं वो कहाँ डाल दी, वो कहीं कूड़े में डाल दी वो तो बताते हैं जो वो महाराज जी जो अवधूत जो थे उन्होंने बड़े ही ऊंचे जोर से उनका नाम लिया गोरखनाथ गोरक्षनाथ। तो वो गोबर की ढेर में जो एक 12 साल के बालक के रूप में सामने निकल के आए हैं, तो वो जो थे मत्स्येंद्रनाथ जी, तो जो जो अवधूत थे जो महाराज जो थे वो गोरखनाथ जी के जो गुरु जी थे मत्स्येंद्रनाथ जी वही उनके गुरु के रूप में थे जो आए थे। तो जो ये किदवंती है कि ऐसे गुरु गोरखनाथ जी का जन्म हुआ था, और गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं वो है मत्स्येंद्रनाथ। उन्होंने कई जो गुरु गोरखनाथ जी को कई साधनाएं सिखाई और असंख्य उनको सिद्धियां प्राप्त हुई। तो नेपाल में जुड़ा हुआ है नाम उन गुरु गोरखनाथ का, तप का उनके बारे में, लेकिन निश्चित जानकारी उनके बारे में भी नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं वो मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। वैसे जो नाथ परंपरा है, नाथ परंपरा में बहुत लंबा जो उनका कर्म है, अभी तक 84 गुरु परंपरा उनकी आ चुकी है। जो मुख्य रूप से बताते हैं गुरु गोरखनाथ जी पहले बौद्ध धर्म की तरफ जुड़े, लेकिन वहाँ वो नहीं उनको मतलब कुछ लगा होगा अच्छा, तो नाथ सिद्धों की परंपरा में आ गए और गोरखनाथ के नाम से जो परंपराएं जो चली और उनके जो गुरु रहे मत्स्येंद्रनाथ जी। लेकिन उनका जो मेन जो नौ नाथपुरी परंपरा है उसमें गुरु गोरखनाथ जी उनमें से एक थे। तो सबसे पहले आदिनाथ जो नौ उनके गुरुओं की नाथ परंपराओं की जो लिस्ट बताई जाती है, आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, फिर जालंधरनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर चरपटीनाथ, कनिफानाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपी चंद्रनाथ, ऐसे उनकी जो ये है नाथ परंपरा चली नीचे तक। तो नाथ परंपरा जो है तो साक्षात रूप से भगवान शिव का अवतार बताते हैं गोरखनाथ जी को भी। काफी ऐसी मान्यताएं हैं कि शिव के अवतार के रूप में गुरु गोरखनाथ जी हैं, और इन्होंने नाथ हठयोग परंपरा जो है फैलाने का जो काम किया। पहले गुरु गोरखनाथ जी जो थे बताया ना आपको बौद्ध की तरफ गए, लेकिन वहां से फिर वो नाथ और हठयोग परंपरा के प्रचारक बने। गुरु के सानिध्य में उन्होंने एक विशेष रूप से तांत्रिक जो सिस्टम था उसको भी सीखा, और बोलते हैं चरपटीनाथ जो थे उनके जो उसमें जो बोलते हैं वंशावली में उन्होंने भी तांत्रिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और उनका कई संप्रदायों के साथ में नाम चला। तो इतिहास में अगर बात करें तो मेन जो है हठ योग की परंपरा का पालन और नाथ योग जिसको बोलते हैं उसकी संप्रदाय नाथ परंपरा के जो पालन का जो काम है वो गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा रूप से जो बोल दें तो उन्होंने नाथ परंपरा का ज्यादा प्रचार और प्रसार किया। तो गुरु गोरखनाथ जी जो थे नहीं, कुछ जगहों में उनका नाम गोरखनाथ लिखा हुआ, कुछ जगहों में गोरक्षकनाथ लिखा हुआ, दोनों में एक ही है?
दोनों एक ही हैं, वो गोरखनाथ ही है, उसको बोलने में जो हम बोलते हैं उसको गोरखनाथ बोल देते हैं, नाम उसका गोरखनाथ ही है। तो ये गुरु गोरखनाथ जी जो है मूल रूप से जो आगे प्रसिद्ध हुए वो हठ योग के लेके प्रसिद्ध हुए, उनकी जो परंपराएं थी योग की पद्धतियां थी उनको भी उनके नाम से जाना जाने लगा। और आप जब इनकी इष्ट वो है ना शिव के रूप में भी इनकी पौराणिक जो बातें हैं वो शिव एज ए शिव के रूप में भी उनको पूजा जाता है, क्योंकि तो शिव का रूप माना गया है गुरु गोरखनाथ को, और एक बहुत बड़े योगी की उनको उपमा दी गई है। गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा जो सिद्ध सिद्धांत पत्ती जो मेन जो उनके जो टेक्स्ट जो उन्होंने लिखे जिनके बारे में टेक्स्ट के बारे में उन्होंने बात की, उसमें जो मेन जो टेक्स्ट हैं मेन जो बुक्स हैं गुरु गोरखनाथ जी के जो रचयिता बताए गए हैं उसमें है सिद्ध सिद्धांत पद्धति योग बीज गोरक्ष तक गोरक्ष पद्धति, ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको गुरु गोरखनाथ जी जिनका रचयिता बताए गए हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति योग बीज गोरक्ष तक और गोरक्ष पद्धति, ये मुख्य रूप से जो चार ग्रंथ जो थे वो गुरु गोरखनाथ के ही द्वारा मतलब लिखित बताए गए हैं। लेकिन जैसे हठ प्रदीपिका है, हठ रत्नावली है, घेरण संहिता है, इनमें भी जो समावेश है वो गोरखनाथ जी की शिक्षा जो उनके जो बताया गया टेक्स्ट उनके जो बताए गए जो उनके विचार हैं उनको ही शामिल किया गया है। हठ रत्नावली में, हठ योग प्रदीपिका में, घेरण संहिता में भी उनके ही द्वारा बताई गई बातों का समावेश किया गया है। जो गुरु गोरखनाथ जी ने विशेष रूप से जो हठ योग पे बल दिया और उन्हीं के अनुसार जो हम पढ़ते हैं ना नाड़ी शुद्धि की जो बातें, जो 7200 नाड़ियों की बात करने वाले गुरु गोरखनाथ थे और उनकी शुद्धि का उपाय उन्होंने एक हठ योग जो है वो उन्होंने इनकी शुद्धि का उपाय बताया, जिसमें शोधन क्रियाएं जो हम सत्कर्म जो करते हैं और नाड़ियों की जो शुद्धि की बात करते हैं ये सारी जो हठ योग की पद्धतियां हैं ये सब गुरु गोरखनाथ जी की विचारों से ही निकली हुई है, उनके द्वारा ही रचित हैं। और सभी उन अभ्यासों के साथ साथ में जो अठियों के अभ्यासों के साथ में नाद उपासना जो है नाद अनुसंधान की बात जो है वो सारी गोरखनाथ जी के द्वारा ही चर्चा की गई है, और गुरु गोरखनाथ जी ने ही जो नाड़ी शोधन के और ये सब जो चीजें हैं उनके द्वारा ही बताई गई बातें हैं। कुंडलिनी जागरण के ऊपर भी गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत ही बड़े विस्तार से इस बात को लिखा है, कुंडलिनी जागरण का कैसे मतलब कुंडलिनी जागरण होता है, कैसे हमारे 6 चक्र हैं, सारे चक्रों की स्थिति के बारे में, चक्रों के जागरण के बारे में, और ये जो जो अनेक जो सिद्धियां प्राप्ति का जो भाई जब शरीर शुद्ध होगा तो सिद्धियों की तरफ बढ़ते हैं हम आगे, एक असीमित शक्ति और असीमित ताकत हमें मिलती है वो सब गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से ही ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी दी हुई है सारी, उनके जो योग जो उनकी पद्धति है उसमें योग अभ्यास मुख्य रूप से शामिल किया है, शरीर को शुद्धि और मजबूती अभ्यास के द्वारा शरीर को दृढ़ करना गोरखनाथ जी ने ही कुंडलिनी जागरण के बारे में और 6 चक्रों के बारे में बहुत विस्तार से अपनी इस परंपरा के अंदर बताया है कि हमारे कितनी हमारी शरीर में नाड़ियां हैं उन नाड़ियों को कैसे हम साफ कर सकते हैं, ये सारी बातें गुरु गोरखनाथ जी की तरफ से बताई गई है। जैसे महर्षि पतंजलि ने जो टेक्स्ट की बातें थी वो सारी एक सीक्वेंस में एक अनुशासित क्रम में जो की, वैसे ही हठ योग की जो बातें हैं हठ योग के जितनी भी चीजें हैं उनको व्यवस्थित करने का जो काम है वो गुरु गोरखनाथ जी ने बताया, उन्होंने ही सबको समझाया। अब
जैसे महर्षि पतंजलि जी ने व्यक्ति विशेष की, व्याकरण की, संस्कृत की जो है, आयुर्वेद की, इन तीनों चारों विधाओं के बारे में बताया, जो उसी प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी ने हठ योग को मतलब लोकप्रिय मतलब फेमस करने के लिए उन्होंने जो शरीर के माध्यम से किस तरह से शरीर को तपाया जाए, किस तरह से शरीर को मजबूत किया जाए, किस तरह शरीर का शोधन किया जाए, वो सारी चीजें हठ योग के माध्यम से गुरु गोरखनाथ जी ही को ही उनका श्रेय जाता है। और जिनका हठ योग के माध्यम से भी जो अंतिम लक्ष्य जो समाधि का है उसको प्राप्त किया जा सके, तो हठ योग के जो आदर्श हैं, हठ योग के जो प्रणेता हैं, वो ये मान के चलो आप अपने गुरु गोरखनाथ जी जो हैं वो हठ योग की मूल वो हैं बताने वाले उस गुरु गोरखनाथ जी हैं। नाथ परंपरा के संस्थापक हैं, नाथ परंपरा के मतलब वो फॉलो करते आए हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं इनके बारे में कि जन्म तो इनका भी विवादित रूप से ही बातें लिखी गई हैं, कोई फाइनल ये नहीं है कि भी किस समय और क्या मतलब कहाँ पे पैदा हुए, वो कोई ऐसा फिक्स नहीं लिखा है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि हठ योग के जो ग्रंथ हैं उसमें मेन भूमिका जो है इनकी बताई गई है। ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी, अब फिर नोट करने की बात क्या है, गुरु गोरखनाथ जी ने जो मेन जो टेक्स्ट लिखे वो कौन से लिखे, गोरख स्तंभ, सिद्धांत पंक्ति, योग बीज उन्होंने लिखे। जो परंपरा जो थी उन्होंने तांत्रिक के ऊपर काफी काम किया, तांत्रिक को लेके जितने भी लिटरेचर्स को लिखे हुए हैं वो तांत्रिक को लेके उन्होंने लिखे, और हठ योग के जो ग्रंथ है उनको गुरु गोरखनाथ जी ने ही वो सूचीबद्ध किया। और गुरु गोरखनाथ जी जो हैं उनको गुरु जो हैं मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। अब आप जो नेपाल साइड में हैं वहां बोलते गोरखा, उस इलाके से ही समझ लो जो किदवंतियों के जो स्टोरीज जो पीछे की निकलती है उसके माध्यम से वो वहां नेपाल साइड में मतलब पैदा हुए। वैसे तो सारा अब हम नेपाल भूटान जो बोले बाकी सारा भारतवर्ष था, अखंड भारत में सब चीजें शामिल थी, ये अलग अलग लगता है, ये हमारे यहाँ के जो पढ़ रहे हैं जिनको, और ये नेपाल में कैसे, तो नेपाल से लेके उधर काबुल से लेके अफगानिस्तान से लेके नीचे श्रीलंका से सारा अपना ही था, सारा अखंड भारत था, तो अपना ही है सारा। और हम तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, तो हमारे जो ये नाथ परंपरा शिव और शक्ति का जो शिव और शक्ति का जो जो मंत्र है, शिव और शक्ति को मानने का जो है वो भी इस गोरखनाथ जी के द्वारा बताया गया है, जिसमें कुंडलिनी शक्ति के जागरण से लेकर अपने सभी चक्रों के बारे में सारी बातें गुरु गोरखनाथ जी ने ही बताई है। जो हम चक्रों को और प्राण वायु से सारे शरीर को शुद्ध करते हुए नाड़ी शोधन का जो काम करते हैं, जिनसे कीड़ा पिंगला और सुषमना श्वास जब चलने शुरू हो जाती है, नाथ परंपरा की ही देन है। वैसे देखो अभी इसमें अपना टेक्स्ट में भी और बहुत लगभग 200 तरह के टेक्स्ट इनके लिखे गए हैं जो हठ योग परंपरा को बताते हैं। ये है हमारे गुरु गोरखनाथ, जिन्होंने मुख्य रूप से किस फोकस किया, आसनों पे फोकस किया, शरीर को मजबूत करने पे फोकस किया, शरीर की शुद्धि के ऊपर फोकस किया, हठ योग के ऊपर फोकस किया, समाधि ध्यान जो उनका कंसेप्ट था उसमें आसनों को सबसे नीचे रखा उन्होंने, सबसे नीचे रखा उन्होंने क्या, आसन, फिर रखे प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। इसमें यम नियम की जगह आसनों से बात की गई शुरुआत ना,
और सिद्धासन, पद्मासन, ये जो मुद्राएं हैं, बंद हैं, ये ज्यादातर यहीं से, मतलब इन्हीं के द्वारा जो दिए गए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे चल के, जो मुद्रा हैं, जो बंद हैं, जो हमारे आसन हैं, जिसमें सिद्धासन विशेष रूप से, पद्मासन जो लगाते हैं, और प्राणायाम का जो कंसेप्ट है, ये सारा इन्हीं का दिया हुआ है। ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी की बात भी, जिन्होंने हठ योग को प्रचारित प्रसारित किया, हठ योग के ऊपर काम किया। अब जो लेटेस्ट, ये तो काफी पुराने टाइम में अपने गुरु रहे, जो गुरु लोग, जो समाज सुधारक, जो योगी लोग जो अभी नए टाइम में आए, उनमें मुख्य रूप से जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, जो ये अपने आज के दौर में जिनके ऊपर हम नजदीक में जिनकी बात करें, तो ये लोग जो अपने जीवन में, इनके जीवन के बारे में बताते हैं कि ये इन्होंने भी धार्मिक राजनीतिक चेतना के साथ साथ में और समाज सुधार को लेके बहुत बड़ा काम किया। ये समझो, बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, ये अपने आप में बहुत बड़े पुनर्जागरण के आंदोलन के सूत्रपात करने वाले थे, जिन्होंने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, वैदिक तो व्यवस्थाएं हमारी, वेद तो बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में तो वेद रुक गए थे, वेदों को कोई सुनने वाला नहीं रह गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पूर्ण रूप से वैदिक धर्म को फिर दोबारा से पुनरुत्थान करने के लिए, वेदों के संबंध में जितनी भी भ्रांतियां मन में लोगों की चली हुई थी, उन सबको दूर करने का जो काम था, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है एक ऐसा रूप, ऐसा प्रतीक मान लो, जिन्होंने केवल भारत भर में नहीं, पूरे एशिया से लेकर पूरे वर्ल्ड वाइड वेदों को फैलाने के लिए और देश, समाज और जाति के लिए, धर्म के लिए काम करने की जो, और जो पाखंड को दूर करने का जो काम किया, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, वो कहते ना अच्छे, मतलब अच्छे घर के, खाते पीते घर के आदमी थे, कोई ऐसे नहीं थे, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनका जो जन्म है गुजरात में टंकारा नाम की जो जगह है, वहां पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ 1824 में। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो थे, जिनका नाम कृष्ण था, वो बड़े ही शिव भगत थे, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम भी बचपन में जो था, क्या था, मूल शंकर नाम था उनका, स्वामी जी का नाम बचपन में मूल शंकर, मूल शंकर नाम से बचपन में उनको जानते थे। बचपन में ही उनके पिताजी ने जो है उनको काफी ज्ञान, संस्कार और शास्त्रों का दन का, जो उनके पिताजी ने ही उनको, मतलब काफी चीजें सिखा दी थी, वेदों के बारे में भी वो स्वयं ही सिखाते थे, तो बचपन से ही तेज बुद्धि वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और 14 वर्ष की जब उनकी आयु हुई, तब तक तो उन्होंने और काफी व्याकरण और ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था, लेकिन बचपन में जब जो मेन, जहां से वो कहते हैं उनके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहां से उन्होंने जीवन में जो बदलाव आया, वो एक घटना को देख के, जो थोड़ी सी उन्होंने आंखों देखी कोई चीज, शिवरात्रि के दिन जब उनके पिताजी ने व्रत किया हुआ था और सारा परिवार शिव जी की पूजा कर रहा था बैठ के, तो रात्रि के समय में उसने देखा, बोले सब लोग बैठे हुए हैं शिवलिंग के चारों तरफ कि भाई पूजा कर रहे हैं, साक्षात दर्शन को लेके, वो भी मतलब मूल शंकर, जो जिनका नाम मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती, वो बैठे हुए थे वहां पे, तो वो शिवलिंग पे जो
प्रसाद वगैरह जो चढ़ाया हुआ था उसके ऊपर एक चूहा आके और प्रसाद खाने लगा। तो उस टाइम उसने देखा बच्चे ने, और उसके मन में विचार आया कि जो चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा तो वो तो सच्चे शिव नहीं है, तो शिव तो कोई और ही है, ये नहीं है शिवलिंग, शिव नहीं है, शिव तो कोई और ही है। उसके मन में उस टाइम एक विचार आया कि शिवलिंग पे बैठ के जब चूहा प्रसाद को खा रहा है तो शिव तो ये नहीं है, शिव तो कोई और है। और उसने अपना व्रत तोड़ लिया और उसके मन में जो है जिज्ञासा बढ़ती गई कि भाई ये सत्य क्या है। और उन्हीं दिनों बताते हैं कि उनकी छोटी बहन का जो है देहांत हो गया, तब उनके मन में और वैराग्य का भाव उत्पन्न होना शुरू हो गया कि मैं जानूं इसके बारे में कहां पे और जो असली जो है जो रहस्य है वो क्या है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं उस घटना से वैराग्य जागृत हो गया। जो उनकी गुरु दीक्षा और जो उनका आगे का कार्यक्रम था उसके बारे में बताते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है घूम घूम के उन्होंने कहीं एक जगह नहीं रुके, वो घूम घूम के शिक्षा का उन्होंने ज्ञान का संचय किया। और वो एक बहुत अच्छा कोई होता है गुरु ढूंढना चाह रहे थे लेकिन उनको वो ढंग से मिल नहीं पा रहे थे। वो ढूंढ तो फिर रहे थे कि गुरु मुझे ऐसा मिले जो मुझे सही जो बात है उसकी तरफ लेके जाए। तो उनके पिताजी जो थे उनको वो अपना घर के काम में जमींदारी के काम में लगाना चाह रहे थे लेकिन वो उसको छोड़कर और बाहर निकल लिए। लगभग बताते हैं 19 वर्ष की आयु में वो धीरे धीरे बाहर निकल के और उनके जो पिताजी उनका शादी करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं करना चाह रहे थे, वो तो अपने सच्चे शिव सच्चे भगवान की तलाश में वहां से निकल पड़े। और 19 साल की उम्र थी जब वो घर से निकल के गए, तब जब वो घूमने लगे तो उन्होंने देखा कि साधु संतों के भेष में बहुत ज्यादा ठग उनको मिलते रहे काफी तरह के लेकिन उनको कोई ढंग का एक ऐसा वो नहीं मिला जो गुरु उनको जिनके वो सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ले सकें। और वो घूमते रहे ऐसे ही करते करते उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने की प्लान किया। तो उन्होंने बताते हैं कपड़े अपने जैसे चेंज किए और वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन के रहने लगे। तो उनकी जो योग शिक्षा थी वो घूमते घूमते और मेन जो है अहमदाबाद के पास में लगभग बताते हैं कोई एक जगह थी, उन्होंने सुना कि वहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े संत आए हुए हैं, उन संतों के पास में जाके कुछ शायद मुझे मिल जाए। लेकिन वो वहाँ पे भी गए तो कुछ खास उनको मिला नहीं कि भाई जहाँ पे मैं ये सोच कोई मुझे ये गुरु बनाने लायक। और वहाँ से भी उनको फिर उनके जबरदस्ती से उनको बंदी की तरह उनको रखा गया। उनके पिताजी ने ढूंढते ढूंढते उनको बार बार पकड़ के वापस लेके जाने की भी सोची लेकिन उनको तो बीच बीच में जो होता ना पक्का मन ही था कि मैं मुझे बनना ही इस लाइन में चलना है। तो वो फिर अपने घर से निकल के आए और उनके शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने जो शिवानंद गिरी नाम के जो दो योगी मिले जिनके साथ मिलके उन्होंने काफी शिक्षा ग्रहण की। और ऐसे वो करते करते हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए पूरे मतलब जगह घूमते रहे और उन्होंने पाखंड के खिलाफ जो है काम करना शुरू किया। जब वो सारे इलाके में घूमते हुए इस जब देखा उन्होंने कि चारों तरफ अंधविश्वास ही अंधविश्वास फैला हुआ है तो उस अंधविश्वास को हटाने के लिए उस टाइम उन्होंने बताते हैं कि हरिद्वार में जो एक पाखंड खंडनी पताका जो उन्होंने फहराई और उन्होंने फिर वो अपना वहां से पूरा प्रचार प्रसार शुरू किया योग का और साथ में वो वैदिक धर्म के लिए और वेदों के लिए जो काम उन्होंने वहां से शुरू किया। तो इस तरह से वो नई नई जगह जैसे जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ तक गुफाओं में गए और वहां पे काफी जगह से उन्होंने बड़ा ही मन वो लालसा रहती है मैं यहाँ भी ऊपर तक बड़े बड़े गुरुओं के दर्शन करके आऊं और अच्छी बातें सीख के आऊं वहां से कुछ। लेकिन वो घूमते फिरते और हर जगह से वो कहते हैं ऊपर पूरा हिमालय की
चंद्राओं में बद्रीनाथ तक वो जाके और पूरा उन्होंने घूमते हुए आए और 12 वर्ष जो है उनको बीत चुके थे घूमते हुए, हिमालय से लेकर राजस्थान से लेकर उत्तर भारत में पूरे में घूमते हुए उन्होंने गंगा जी के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, जहां तक वो विचरण कर सकते थे, पूरे मध्य भारत से लेकर पूरे भारत में उन्होंने उन्होंने मतलब घूमे फिरे। एक दिन उन्होंने जो मेन उनके जो स्वामी जी थे, स्वामी बिरजानंद जी जो उनके गुरु, उसके साथ में एक उनकी जो बात है कि घर से जब वो दुखी होकर निकले तो गंगा के किनारे रोते हुए उसने कोई किसी महात्मा जी ने एक बच्चे को साथ में सहारा दिया हुआ था और ये जो बच्चा जो था घूमता घूमता जो उनका गुरु के बारे में बता रहे हैं स्वामी बिरजानंद जी के बारे में, स्वामी बिरजानंद जी जो थे मतलब ये मानो आप वो उनके जो प्रसिद्ध हुए वो उनके गुरु हुए, स्वामी बिरजानंद जी से उन्होंने मेन शिक्षा दीक्षा ली और जो उनको बताते हैं जब वो वहां से विदाई ले रहे थे तब भी उनके पास देने के लिए बिरजानंद जी के पास को गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो जो दे पाए अपने गुरु जी को कोई दीक्षा दे पाए, तो उन्होंने लौंग जो है वो अपने गुरु को दीक्षा में उन्होंने दी और फिर उनके गुरु जी ने बोला भाई आप लोग अब पूरे संसार की भलाई के लिए आप काम करो। जब वो अपने गुरु को गुरु दीक्षा के रूप में कुछ लौंग देने लगे तो स्वामी जी ने उसको कहा कि तू तो बड़ा ही कंजूस निकला, तेरे पास देने के लिए यही है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं यही है, बाकी जो आप आदेश करोगे वो हम जीवन भर करेंगे। तब उनके गुरु ने उनके सिर पे हाथ रखा और उनको कहा भाई तुम जाओ और दीन दुखियों के लिए सेवा करो और उनका उद्धार करो, जो पुरानी जो ये क्रूतियां जो चली हुई है इन क्रूतियों का दूर करने का काम आप यहाँ से जाके करो, वो अंधविश्वास को दूर करने का काम करो। तो गुरु बिरजानंद जी से आशीर्वाद लेकर और उन्होंने फिर ये सारे घूम घूम के हरिद्वार से लेकर कुंभ के मेले से में जो भीड़ होती थी वहां पर वही एक पूरी जो मंडली होती है चारों तरफ जहां पर अंधविश्वास का बोलबाला करने के लिए कुछ लोग लगे होते हैं और कुछ उसको मिटाने के लिए, जैसे आज के समय में अगर स्वामी रामदेव जी अलग तरीके से काम करना चाह रहे हैं जिसमें योग के साथ में वेद के साथ में चलते थे, दूसरी तरफ एक और लोबी चलती है जो पाखंड को फैलाने का काम करती है, तो वो भिड़ंत तो हर जगह है और हर समय रहेगी, उस समय भी ये भिड़ंत थी और आज भी ये भिड़ंत है। तो जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी घूम रहे थे कहीं अलग अलग जगह पर, जैसे शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया वैसे ही हरिद्वार के मेले में जो बड़े मेला लगता कुंभ का वहां पे इन्होंने भी शास्त्रार्थ किए, पूरी वो मंडलियों के साथ में बैठ के शास्त्रार्थ किए और काशी में आके उन्होंने, क्योंकि मेन जो सारा सिस्टम था वो काशी से चलता था तो काशी में भी आके उन्होंने शास्त्रार्थ किया ऐसे, और काशी के अंदर तो उनको वो बताते हैं कि पत्थर तक उनके ऊपर बरसाए गए, पत्थर तक मारे गए स्वामी दयानंद सरस्वती पे, तो और उनको खराब करने के लिए मतलब उनको बदनाम करने के लिए मथुरा के जब वो आए थे तो मथुरा में आकर तो जिस कुटिया में वो रह रहे थे ठहरे हुए थे उनको बदनाम करने के लिए उस दौरान के जो धूर्त लोग थे जो पाखंडी लोग थे, किसी जाति विशेष का नाम लेते तो लगे भाई उसका नाम क्यों ले लिया, नहीं जो धूर्त लोग थे जो पाखंडी लोग थे उन्होंने स्वामी जी को बदनाम करने के लिए उनकी कुटिया में एक वैश्या को भेज दिया जब वो ध्यान में बैठे हुए थे तब, कि वैश्या को भेज देंगे उसको पैसा देके उनको, और वहां भेज दिया कि अब इसको मतलब बदनाम करने का काम हो जाएगा। लेकिन बताते हैं जब वो वैश्या उस कमरे में गई तो वो स्वामी जी को देख के कांपने लग गई और मतलब हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचना उन्होंने की, क्योंकि उनका जो तेज था उनका जो तपोबल था उसके सामने वो विचलित हो गई, तो उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा
और बाद में इसको और प्रभावी तरीके से इस अभियान को चलाने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना उन्होंने बंबई में आकर, पहले बंगाल में बाद में बंबई में आके उन्होंने आर्य समाज स्थापना की, ताकि और प्रमाणिक तरीके से और एक सिस्टम के साथ लोगों को जोड़ के आगे बढ़ा जा सके। तब वो उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जो लोगों ने मुझे पत्थर फेंके हैं ना, वो मुझे एक दिन मेरे ऊपर फूल फेंकेंगे, ये फूलों की बारिश करेंगे। इतना उनका अपना एक मन में दृढ़ संकल्प था कि एक समय ऐसा आएगा जो लोग मुझे आज पत्थर मार रहे हैं वो कभी फूल मेरे ऊपर बरसाएंगे। तो उन्होंने पूर्ण रूप से आर्य समाज की स्थापना करते हुए और वेदांत और अद्वैतवाद पर जोर देते हुए अपनी योग, भारतीय योग परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। योग की नवीनतम प्रयोग उन्होंने किए, ध्यान योग से लेकर सिद्धि योग से, कर्म योग से उन्होंने इन पे और गहन अध्ययन किया। निराकार ध्यान के विषय में उनका बहुत बड़ा काम रहा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, और ब्रह्मचर्य की साधना को लेकर उन्होंने बहुत मतलब कहते ना पूर्णता से उसका पालन किया जीवन के अंदर, ब्रह्मचर्य की साधना की उन्होंने। और इसी के बल पे उन्होंने जो अद्भुत शारीरिक बल उनके अंदर जो था, एक चमत्कारी से प्रतीत होते थे स्वामी जी। और हठयोग की साधन जो थे, हठयोग की क्रियाओं को उन्होंने साधा, तो उनके अभ्यास किया और शरीर को बिल्कुल मजबूत और इतना मतलब उनके जो वो बताते हैं ना कि इतना मजबूत कर लिया था स्वामी जी ने कि उनको तो जहर देख के मारने की कोशिश की गई तब भी वो अपने योग के बल से उस जहर को बाहर निकालते थे, और एक बार नहीं उनको कई बार जहर दिया गया। स्वामी जी जो हैं योग के और हठयोग के पालन करने के साथ साथ में एक सबसे जो मेन काम उनका था वो जो ये दंत कथाओं को नहीं मानते थे कभी भी, जो मन गढ़ंत जो कहानियां हो जाती उनको ना मान के वो वेद की बातों के ऊपर बात करते थे, प्रमाण के साथ सारी बातों करते थे। वो होते ना ऐसी वलगर बातें के ऊपर या मतलब टोरे मारने वाली बातों पर विश्वास नहीं करते, हर बात पे उन्होंने जो भी बात उन्होंने बोली उसके ऊपर उनको अपना ऑथेंटिक प्रमाण के साथ में उन्होंने काम किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो 24 सालों तक समझो पूरे समाज में घूम घूम के और दुखी लोगों के पाखंडियों को दूर करने का काम, समाज में जो कुर्तियां फैली हुई उनको दूर करने का काम, ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही, और जो वैदिक जो संस्कृति थी, जो आर्ष ग्रंथ थे, जो वैदिक ग्रंथ थे हमारे, उनमें जो कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्बेंस हुआ उनको ठीक करने का काम उन्होंने किया। उन्होंने काफ़ी संहिताएं, स्मृतियां और उपनिषद उनमें जो सुधार का काम उन्होंने किया, ताकि हमारे जो वेदों में जो मिक्स हो रहा है गलत उनको दूर किया जा सके। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने व्याकरण का बहुत गहन अध्ययन था, जिससे वो अपने जो ये ग्रंथ थे उनको ठीक करने का काम, उनमें नए शुचिता लाने का काम उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। सारे व्यक्तिपरक धर्म दर्शन साधना, दर्शन साधना अध्यात्म और वैदिक समाज को प्रतिष्ठित करने का कोई काम इस युग में जो किया वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे बहुत ही, आप उनके जो जीवन के बारे में सुनेंगे तो उन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की उसमें उन्होंने सारे धर्मों को, जो ये इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म, तो उनको प्रासंगिक रूप से उनकी आलोचना भी अगर किसी की
उन प्रमाणिक रूप से उन्होंने की, ना कि आलोचना करने के लिए आलोचना की। तो सबसे प्रमाणिक उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी सत्या प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिसको एक अपने आप में सब किसी का सार उन्होंने उसमें सत्या प्रकाश में रखा, और उसमें उन्होंने उन्होंने जैसे इस्लाम किया, ईसाई की कुछ बातों का अगर उन्होंने खंडन भी किया तो वो भी साइंटिफिक तरीके से खंडन किया, ना कि केवल खंडन करने के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने समाज में जो नारी के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर बड़ा काम किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने स्त्रियों को समाज में स्थान दिलवाने का काम किया, जो उस दौरान ये बोलते थे स्त्रियां जो है, नारी जो है, लेडीज जो हैं, वेद का पाठ नहीं कर सकती, उनको अधिकार दिलाया वेद पढ़ने का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी शिक्षा के लिए, बाल विवाह के लिए, विधवा विवाह के लिए, वेश्यावृत्ति, इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े ही प्रयास किए, और उन्होंने समाज में नारी को एक सम्मान दिलाने में बहुत बड़ा काम किया। तो ये आप कह सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया, उनके उत्थान के ऊपर बहुत जोर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो मुख्य रूप से कुछ बातें जो उन्होंने उनके उपदेशों में जो बात वो बोलते थे, जो बहुत बड़े, क्योंकि गहरे दृष्टा थे, गहरे योगी थे, तो उनके जो अपने एक समझ थी उसके अनुसार वो कुछ बातें ऐसी थी जिनको वो हर उसमें अपना वो कहते ना बोलने के ऊपर बात करते थे। तो वो बोलते थे ईश्वर को वही प्रिय है जिसको सत्य प्रिय है, जो समाज का आचरण करता है, सत्य ही ज्ञान का सबसे बड़ा दर्जा है। जो उनके जो भाषणों में जो बातें निकलती थी उनको ये सूचीबद्ध किया हुआ है कि न्यायप्रियता को कभी हाथ से न जाने दो, हमेशा न्याय के साथ रहो, किसी का अनुचित पक्षपात मत करो, ये उनके जीवन के उसूल थे। मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहिए, प्रेम मनुष्य का जन्म सिद्ध धर्म है। प्राणी मात्र पर दया दिखानी चाहिए, स्त्री जाति पर दया दिखानी चाहिए, और गौ सेवा का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए उन्होंने कहा गाय की रक्षा, गौ की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सबसे पहले गौशाला की स्थापना की वो हमारे रेवाड़ी हरियाणा के अंदर सबसे पहले गौ सेवा के लिए एक गौशाला स्थापना की थी। तो गौ सेवा को लेकर उनका बहुत योगदान रहा। किसी का मन दुखाना संसार का सबसे बड़ा पाप है, ये उनके उनका कहना था, उनका मानना था ये बात। आत्मा जो है नित्य और अविनाशी है, इसको कोई नहीं मार सकता। उन्होंने कहा कि अनाथों, विधवाओं, दुखी दीनों की हमें सहायता करनी चाहिए, भारतवासियों के लिए एक भाषा, एक वेश और एक भाव होना चाहिए, ये भी उनका मन था। आर्य भाषा हिंदी ही भारत की राष्ट्रमाता राष्ट्रभाषा हो, ऐसा भी उनका अपना मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे, जब उन्होंने पूर्ण रूप से वेदों का प्रचार करना शुरू किया, वैदिक धर्म का प्रचार करना शुरू किया, तो उनको मारने के लिए बहुत बार उनको मतलब षड्यंत्र उनके खिलाफ रचे गए, लेकिन असली वो कहते ना मतलब योगी, सच्चा योगी वो है जिसने अपने मारने वाले को भी माफ कर दिया हो, इससे बड़ा कोई योगी हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई मतलब एक दूसरा उदाहरण आप देख नहीं सकते। जब स्वामी दयानंद सरस्वती को जो मारने की जो प्लान की गई, तो जोधपुर में वो ठहरे हुए थे, बताते हैं 29 सितंबर 1883 की रात को जो उनका रसोईया था जगन्नाथ जी, दूध मंगवा कर उनसे पिया, तो दूध पीने के बाद में उनको उल्टियां होने लगी, और उनको पता लग गया कि इसमें जहर था, और जहर भी भयंकर वाला जहर, उसमें कांच मिला के उनको दिया गया था। तो
वो जो कांच मिला के दिया गया था, तो उनको इससे पहले उनको कई बार जहर देने की कोशिश की, लेकिन वो योग की क्रियाओं से अपने जो हम मान लो कुछ ले लिया कुंजर क्रिया से या और दूसरे तरीके से उन चीजों को बाहर निकाल दिया, लेकिन अब वो समझ गए ये निकलने वाला नहीं है और ये अब समय आपका आ गया है। तब उन्होंने अपने उस जगन्नाथ जो रसोईया था उसको कहा कि मेरे अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं, अगर तू मुझे विष ना दे तो मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं और मैं अपने इन कामों को जो समाज की भलाई के लिए जो काम है उनको मैं पूरा करूं, लेकिन तूने आज ये ऐसा कर्म जो कर दिया है। फिर भी स्वामी जी खुद उसको जगन्नाथ को पैसा देते हैं और नेपाल भाग जाने के लिए कहते हैं, तू भाग जा तेरे प्राण बच जाएंगे, यहाँ पे अगर मेरे जो शिष्य वगैरह आ गए तो वो तुम्हें मार देंगे। इससे बड़ा कोई उदारता का उदाहरण क्या होगा जिसको पता है कि मेरे को इसने जहर दे दिया और मैं मरने वाला हूँ, फिर भी उसको पैसे दे के और भगा रहे हैं कि तू भाग जा नहीं तेरी जान ले लेंगे यहाँ पे। तो स्वामी जी का उस 30 तारीख को फिर अमावस्या का दिन था और उनका निधन हो गया। आप समझ सकते हैं कि मरने से पहले उनको बिल्कुल उसी मुद्रा में, वो बताते हैं कि जिस मुद्रा में बिल्कुल चेहरे पे कोई खौफ नाम की चीज नहीं, और जब वो मरे हैं जब उन्होंने शरीर को त्यागा है तब उनके साथ में जो उनके जो शिष्य बैठे हुए हैं और खुद स्वामी जी भी गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और बिल्कुल सहज रहते हुए उन्होंने अपने मरते शरीर को छोड़ते समय समाधि लेते समय उन्होंने परमात्मा का धन्यवाद किया और अंतिम जो शब्द बताते हैं, हे दयामय हे सर्वशक्तिमान ईश्वर तेरी यही इच्छा है, सचमुच तेरी यही इच्छा है परमात्मा, और तेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा कह के तूने अच्छी लीला की। और वो करवट लेते हैं और लंबा गहरा सांस लेते हुए ओमकार के उच्चारण के साथ में वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जी मतलब अपने शरीर को पूरा करते हैं, लेकिन ये जो उम्र है उनकी कम है, अभी उनकी जाने की उम्र नहीं है, लेकिन एक रसोइये ने जो उनका अपना काम करने वाला रसोइया जो उनके साथ जुड़ा हुआ और उसने फिर ऐसा धोखा करते हुए उनको जहर के साथ में कांच घोल के जो दे दिया, शीशा घोल के दे दिया, तो उनको पता था और फिर भी देखो उन्होंने उस व्यक्ति को जाने के लिए खुद पैसे दिए कि उसको भगाया। इससे बड़ी उदारता नहीं मिल सकती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो मेन जो काम उन्होंने किया वो उन्होंने किया पाखंड के खिलाफ, नारी शिक्षा के, इनके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। चलो जी अभी एक बस अभी 2 मिनट बाद ही करते हैं बात ना, अभी करते हैं जल्दी ना। देखो वैसे तो कई इसमें जीवनियां आपकी इसमें हैं, बाकी सारी जीवनियों को मुझे लगता नहीं कि हम कवर कर पाएंगे, लेकिन ये तो ऐसे ही आप अपनी जीवनियों को थोड़ा सा खुद भी पढ़ लेंगे, कोई ऐसा कभी लगे एक बार आप विचार कर लें, कोई और बात इसमें निकल के आए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अपने पास समय की भी मर्यादा है, उसके अनुसार ही काम करें। और मैं तो सही बताऊं तो काफी दिन में आज लगातार बोलने का काम हो रहा है। अभी कोई हैंड रेज किया हुआ है, बबीता जी, जी बताएं बबीता जी क्या कहना चाह रहे हैं। प्रणाम सर जी। प्रणाम जी। प्रणाम सबको, मेरा प्रणाम, जितने भी मेरे साथी हैं यहाँ। सर मैं एक चीज पूछना चाहती थी, कुछ क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि जैसे कुछ लोगों के तो बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो बहुत समय पहले की मृत्यु हुई है उनकी, परंतु कुछ जैसे जीवनियां हैं, जैसे अभी आप दयानंद जी सरस्वती जी के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया और बहुत सारे पॉइंट्स मेरे क्लियर भी हुए, तो सर इनका जन्म तो कुछ ज्यादा सॉरी मृत्यु इनकी ज्यादा कुछ ऐसे पर्टिकुलर समय पे हुई और जानकारी भी इसकी प्रॉपर पता है, जैसे 1883 में हुई इनकी, 30 अक्टूबर को हुई थी इनकी मृत्यु, बट सर इसके बारे में इतने सारे क्यों डाउट्स क्यों हैं इनकी मृत्यु के बारे में? कुछ लोग कहते हैं कि इनको नन्नी वैश्या ने इनकी मृत्यु में इनको जहर दिया था, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया,
कि उनके रसोइये ने उनको जहर दिया था, तो ये सर डाउटफुल्स क्यों है ये दोनों चीजें फिर? डाउटफुल क्यों है ये बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। वैसे तो देखो ज्यादातर जो केसेस है ना, आप ये मान के चलो कि संतों के ऊपर इस तरह की कोई ना कोई तो चीजें लग चलती रहती है, अपना अपना मिथ्या चीजें फैलाने का काम है। अदरवाइज ये तो क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, तो जी सर तो है उनके रसोइये ने ही जहर दिया है और उनके रसोइये को उन्होंने खुद मतलब पैसे दे के उनको बाहर निकाला है बचाने के लिए। जी वेश्या वाला जो कंसेप्ट तो जो आया था वो हमने बताया, वो तो जो वो प्रचार प्रसार कर रहे थे उस दौरान उनको बदनाम करने के लिए कि उनको पैसे देके उस वेश्या को उनके कमरे में भेजा गया कि आप जाके इसके साथ उस आपत्तिजनक व्यवहार करें ताकि हम फिर ये कह सके कि भाई ये ऐसे ऐसे ये हैं। तो वो वेश्या वाला कंसेप्ट तो वहां पे आया इनके लिए, बाकी मृत्यु के लिए ऐसा कोई वेश्या वाला कंसेप्ट नहीं सुनने में आया है, बाकी कहीं ऐसा मैंने आंसर हो सकता है। मैंने अभी तक इनकी जीवनी के बारे में जहां तक पढ़ा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े हैं इनके और विवेकानंद जी के मैं पढ़ती हूँ, बट इनके मुझे हमेशा यही मैंने पढ़ी पढ़ी है जो नन्ही वैश्या थी उन्होंने ये नाराज हो गई थी इनसे, तो उन्होंने ही इसका षड्यंत्र रचा था इनकी मृत्यु का पूरी तरह से। उसमें ये मान सकते हैं कि उस वैश्या ने भी उस क्या नाम जगन्नाथ को है ना उसके साथ मिलके ये जहर देने की प्लानिंग, ये हो सकता है, ये मैं मान सकती हूँ आपकी बात, ये ऐड हो सकते हैं वो दोनों जैसे एक दूसरे के साथ मिलके उन्होंने षड्यंत्र रचा हुई है। भाई वो जो वेश्या जो थी जब उसको उन्होंने मतलब वो दूर से उससे वो हो गई और वो हार गई के हिसाब से अपना जो करने गई थी उसके लेके, उसने उस रसोइये के साथ मिलके और लोगों ने मिलके ये प्लान किया हो वो बात आप उस वेश्या का नाम उसमें डाल सकते हैं उस चीज को लेके ना कि ये ऐसे रहा होगा। जी सर जी थैंक यू सो मच सर। तो देखो अपना अभी जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, श्यामचरण लिहाड़ी जी की जो बात कही गई है और जो तो ये बहुत से अपने जो योगी लोग हैं जो आज भी, और ये नहीं है कि मतलब योगी लोग जो हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं वही हैं, बहुत ऐसे योगी हैं जिनको हम शायद जानते भी ना हो, जिनकी कहानियां बस केवल इतना ही पता है, बस सुनने को लगती है, वही नाम भी नहीं सुना होगा। अब जैसे हमारे हम यहाँ पे बैठे हैं हरियाणा के अंदर में बैठा हूँ, तो हमारे नजदीक में जो अपनी महर्षि चवन के बारे में लोग जो सुनते हैं, जो च्यवनप्राश खाते हैं, वो च्यवनप्राश जो है महर्षि चवन के नाम पे बना हुआ है। अब हर लोग तो नहीं जानता कि च्यवनप्राश जो है महर्षि चवन के नाम पे बने हुए, तो जो ऐसे ऐसे योगी थे जो बिल्कुल वृद्ध अवस्था में जिनका मतलब शरीर बिल्कुल कंडम हो चुका है पूर्ण रूप से, और वो लोग भी मतलब उस योग क्रियाओं से और उस च्यवनप्राश के प्रताप से उसको खाके और दोबारा से नव जीवन को प्राप्त हुए हैं, पूरी एनर्जी उनको मिली है। तो ऐसे बहुत केसेस हैं या बहुत से योगी हैं, और आज के दौर में भी जब आप निगाह लगाएं कहीं ना कहीं तो आपको सुनने में आएगा फलाना बंदा ऐसे मतलब पानी पे चलता है या पानी पे तैरता है, चलना नहीं तैरने वाली बात। तो ये सब योग क्रियाओं के माध्यम से ही सारी चीजें हैं उनके प्रताप से ही। अब स्वामी विवेकानंद जी की जब बात आती है तो स्वामी विवेकानंद जी के इतने किस्से हैं कि वो एक बार जब किसी पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो उस पुस्तक का पेज नंबर के साथ में सब चीजों के बारे में वो बता देते हैं। ऐसे ऐसे उनके जो किस्से हैं सामने कि स्वामी विवेकानंद जी जब फोरन में कहीं गए हुए थे और एक लाइब्रेरी के अंदर जब वो बुक पढ़ने के लिए गए तो वहां से बुक लेने के लिए गए तो किसी ने बुक नहीं दी उनको, तो वो वहीं बैठ के पढ़ के आए और अगले दिन जो बताते हैं तो जो दूसरा बंदा जो था उसने कहीं पूछा होगा उस लाइब्रेरी ने, तो उन्होंने एक एक जो बुक बंद बुक के अंदर बता दिया इतने नंबर पेज पे ये चीज लिखी हुई है। तो ऐसा उनके अंदर अपना मतलब विल पावर थी, ऐसी उनके अंदर ताकत थी, ऐसी शक्तियां थी। जब स्वामी विवेकानंद जी वहां पे, आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे लाल जी सर सॉरी जी, जब स्वामी विवेकानंद जी भाषण दे के आए थे शिकागो के अंदर, तो एक ही जो शब्द था जो सारी दुनिया ने लेडीज एंड जेंटलमैन बोल के संबोधित किया, उन्होंने भाई बहन बोल के संबोधित किया था या मान्यवर जो बोल के संबोधित किया था, उससे ही सारी दुनिया बताते हैं कि पहले उसके मजाक उड़ाने की मूड में हो रहे थे भाई ये क्या बोलेंगे, और सारी दुनिया उनकी फैन हो गई। तो उनके अंदर सब में ऐसे जो लोग थे इनमें बड़ा तप था। जब वहां पे किसी ने स्वामी विवेकानंद जी को बोला कि हम एक कोई औरत ने उसको बोला स्वामी जी को कि मैं
आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा भी शादी किस क्यों करना चाहती है शादी? बोले मैं चाहती हूँ कि हम आप आपके जो प्रताप आपके जो जैसा एक मतलब दिव्य संतान उत्पन्न करें, एक बेटा मैं आपके जैसा चाहती हूँ आपसे। तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे ही अपना बेटा स्वीकार कर लो। ये जो आज उन चीजों को कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसे बोले और उसके सामने कैसे मतलब रिएक्ट कर रहे हैं स्वामी जी। तो उन्होंने जब वो कहा कि मैं आपके साथ शादी करके आपके जैसा एक पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे ही अपना बेटा स्वीकार कर लो। ऐसे ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए, ऐसे मतलब उनके अंदर इतनी एनर्जी लेवल जो था उनका, इस लेवल की एनर्जी उनके अंदर अपनी थी, तो बहुत ज्यादा अपने यहाँ पे जो देखो अपने भारतवर्ष में जो संतों का जो गुरुओं का ये तो बीच में एक जो ये दौर आया है जिसमें कहीं ना कहीं गुरु परंपरा में कुछ गड़बड़ शुरू हुई है या कहीं कुछ ऐसी चीजें सुनने में मिली है। अदरवाइज हमारे गुरु परंपरा और हमारे इस भारतवर्ष में एक इतनी शुद्ध और सात्विक परंपरा रही है कि गुरुओं के दिखाए रास्ते पे चल के ही लोग आगे बढ़े हैं और लोगों ने गुरुओं को माना है और पूजा है। सारी विद्याएं जो हैं गुरुकुलों के अंदर हुई है, सब के सहयोग से हुई है, ना कि किसी एक विशेष के सहयोग से। ऐसी शिक्षा पद्धति रही है जहाँ पे राजा से लेके फकीर तक के सभी के बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं। तो अपना जो देश है, अपनी जो सभ्यता है, उसका कोई सानी नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। लेकिन हम अपनी सभ्यता पे गौरव करना छोड़ दिया हमने, हमने अपने महापुरुषों पे गौरव करना छोड़ दिया और हम जो फॉरेन के जो लोग हैं उनको पढ़ के और ये मानते हैं वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो हमें अपने गुरुओं पर, अपने संतों पर, अपने योगियों के ऊपर विचार करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सीखना चाहिए। जब हम अपने गुरुओं की बात करते हैं तो उसमें हमें शंका पैदा हो जाती है, दूसरी तरफ हम फॉरेन की चीजें पढ़ते हैं तो उनमें शंका पैदा नहीं होती, हमें वो ठीक लगते हैं। लेकिन सारी दुनिया, सारा विश्व अब हमारे इस वैदिक सनातन संस्कृति की तरफ देख रहा है, वैदिक धर्म की तरफ देख रहा है और एक पूरा कालखंड दोबारा से चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दोराय नहीं। तो चलिए, आप के मन में कोई और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बताएंगे, बाकी देखिए अभी आप इसमें अपने जो और जो हैं गुरु श्याम कृष्ण जी हैं, लियाड़ी जी हैं और कई लोगों के अभी इसमें जीवन परिचय आपके हैं, उनको आप वैसे भी पढ़ लेंगे। बाकी आपको लगे कि भाई कोई और बात, आप कोई मन में कोई संशय हो तो उसको आप आज भी क्लियर कर सकते हैं और उस संशय को आप कभी भी जब अपने साथ जुड़े रहेंगे कभी भी क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम तो आदरणीय तेजपाल जी के नेतृत्व में एक परिवार की भांति चलना चल रहे हैं पीछे से। तो जो लोगों को मन में कभी भी डाउट हो, कोई भी बात हो, हमारे को जो जितना ज्ञान, देखो इतना ज्ञान नहीं तो हम भी नहीं है, लेकिन जितना अपने को पता है और सब हम मिलकर उस संशय को दूर करने का काम करेंगे। तो आपके स्वामी विवेकानंद जी का भी इसमें, अभी जैसे कि स्वामी विवेकानंद की जयंती तो सभी मनाते ही हैं, क्योंकि 12 जनवरी से अपने यहाँ पे एक सूर्य नमस्कार का बड़ा कार्यक्रम शुरू होता है। तो 12 जनवरी से स्वामी जी की जयंती की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो ये आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी आप ये बताओ, कहाँ भाषण दिया था स्वामी जी ने, कोई बता सकता है स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण कहाँ दिया था? शिकागो। जी, शिकागो में भाषण दिया था स्वामी जी ने जाके, ना जब वहां पे गए थे तो लोग ये सोच रहे थे ये कौन यार, मतलब क्या करेंगे ये लोग, एक बिल्कुल सिंपल से जो दिखने वाले, कपड़े भी इनके अलग तरह के हैं और ये क्या भाषण देंगे। लेकिन सारी दुनिया उस शिकागो के भाषण के बाद में स्वामी विवेकानंद जी की फैन हो गई थी। तो ये महर्षि अरविंद जी और महर्षि रमन जी, ये अपने जो नए समय में भी ये है, इन्होंने भी अपने, देखो सबका अपना अपना योगदान है। और 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में जो हुए हैं उसमें महर्षि अरविंद जी और महर्षि रमन जी जो है ये सब इसी दौरान के हैं। ये सब योग परंपरा को और समाज सेवा को लेके, और इन्होंने सब ने योग को लेके, लाइफस्टाइल को लेके बड़ा काम किया है। ये तो हम आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं और किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं,
अदरवाइज तो देखिए आपने थोड़े थोड़े देख लेने हैं, इनके बारे में पढ़ लेना है, ये आपके टेक्स्ट में है वो पढ़ लेना है, इसके अलावा भी आपको कहीं से कुछ मिले पढ़ने को उस चीज को भी आपको पढ़ना है। टेक्स्ट में तो शॉर्ट में दे रखी है, जो चीजें दे रखी है वो, बाकी इसके अलावा कहीं और जो आपको मिले बुक कहीं पढ़ने को उनको भी आपको जरूर पढ़ना है। किसी के मन में कोई विचार आ रहा हो तो जरूर शेयर कर सकते हैं, अब आपके लिए ओपन है, कोई भी कोई विचार शेयर कर सकता है। चलो एक तो आया कि कोई डाउट नहीं रहा। मैं आदरणीय तेजपाल सर से निवेदन करूंगा कि आगे हम क्या आदेश है अभी। सर अवधेश कुमार ने सर जी, अवधेश जी सर मैंने कल थोड़ा आवाज नहीं आ रही, जोर से आप थोड़ा जोर से बोलेंगे सर। एक्चुअली कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था इंडक्शन मीटिंग। अच्छा, वो कोई उसमें स्पेशल तो नहीं था, यही जानना था सर। ये बात तो डॉक्टर साहब बताएंगे, आदरणीय तेजपाल जी, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता सर, तेजपाल सर बताएंगे इस बारे में। ओके थैंक यू सर जी। जी और कोई सर। जी शालिनी जी बताएं। जी बबीता जी सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे हम वेद, ये वेदों के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें तो हमारे वेदों के बारे में हमें किस प्रकार के किसी पर्सन से, क्योंकि वेद कई बार हमें समझ में नहीं आते हैं, हम शुरुआत करते हैं तो वहीं कुछ कंफ्यूज होके वहीं एकदम से फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि एक दो बार ही ट्राई किया मैंने सेल्फ से, बट मैं सेल्फ से मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आता है, वो सब अजीब सा हो जाता है। तो सर आप कुछ एडवाइस दे पाएंगे कि हमें किसकी गाइडलाइन में हमें समझने चाहिए, क्योंकि समझना, जब तक हम समझेंगे नहीं हम आगे भी किसी को ठीक से नहीं बता पाएंगे कुछ, क्योंकि ये बताना जरूरी है जिस स्थिति में हमारा भारत जा रहा है, अगर हम कुछ छोटी छोटी कोशिशें भी करेंगे तो, क्योंकि जो लोग ये वेद क्लासेस लेते हैं बाहर, जो प्राइवेट क्लासेस लेते हैं, ये तो बहुत मनी चार्ज करते हैं इन सब चीजों की। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसमें एक सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वेद में जो जाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि वो तो बहुत गहरा और बहुत बड़ा विषय है। जी सर, पूर्ण रूप से संस्कृत का सिस्टम उसमें है, तो आप कोशिश करें एक तो सबसे पहले भगवद गीता पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवद गीता में सब चीजों का मूल समावेश उसके अंदर हो रखा है। तो भगवत गीता में भी देखो क्या होता है कि अगर एक बार हमने भगवत गीता पढ़ने की कोशिश की, हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा और हम एक बार भी हाथ खड़ा कर देते, कोई आगे नहीं पढ़ना, लेकिन एक बार दो बार तीन बार उसको पढ़ना पड़ेगा, भगवत गीता को पढ़े, उसके बाद आप उपनिषदों की पढ़ने की कोशिश करें। उपनिषदों में जो अपने गीता प्रेस गोरखपुर के आते हैं ना, वो बहुत शॉर्ट में और मतलब तरीके से बना रखी चीज है ना, तो उसमें हमें संस्कृत तो सबको आती नहीं, तो उसके जो संस्कृत को पढ़ने की कोशिश करें, नहीं पढ़ी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके हिंदी वर्जन जो है उसको हम देखें तो उपनिषद अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि डायरेक्टली वेद तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। देखो ऐसे कोई मिल जाते हैं नियर बाय में, कोई ऐसे जो कहीं आश्रम में या कहीं ऐसी जगह पे कोई जो थोड़ा बहुत इसके बारे में बता सके, अदरवाइज तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है भगवद गीता के ऊपर फोकस करें, या कोई पुस्तक मैं भी एक बार कोई देख के बताऊंगा आपको कोई, जिसमें आप, मैं अभी फिलहाल ये मान के चलता हूँ कि जो अपना उपनिषदों वाली पुस्तक है वो बहुत अच्छी है, छोटी पुस्तक है गीता प्रेस, उसको पढ़े। उपनिषद, उपनिषद सर, हाँ उपनिषद, उसमें वो नौ उपनिषद, ग्यारह उपनिषद है ये जो सारे ना, तो उनके बारे में सारांश उनका दे रखा है उसके अंदर, तो उन चीजों को आप पढ़ सकते हैं उसमें ना, ये सारे हमारे जो इसके इनकंठ मंडुक मांडुक के, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मैं एक बार आदरणीय तेजपाल सर को बोल देता हूँ। ओम कृष भाई, जी आदरणीय, तो ठीक है भाई, एक दो भाइयों का कुछ था कि हम कल अटेंड नहीं कर पाए, तो क्या करें, मैं वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे उनसे बात करके। अच्छा अच्छा, नहीं अगर किसी बच्चे ने आज फ्रेश ज्वाइन किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर पिछले दोनों सेशन अवेलेबल हैं,
मैं एक बार दोबारा से इसकी लिंक डाल दूंगा। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि उन चीजों को आप तक पहुंच जाए सब चीजें। पिछले दोनों सेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है दोनों के दोनों, और इससे पहले भी जो सेशन हुए हैं योगा के वो भी वहां पर अवेलेबल है। तो मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक से आप पिछले दोनों सेशनों को देख सकते हैं, ठीक है, और फॉलो भी करें। ये हमेशा याद रखें कि अगर पेज को फॉलो कर रखा है, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रखा है, तो आपको ये जानकारियां इजी आसानी के साथ प्राप्त हो जाती हैं। मेरी कोशिश है कि हमारा सोशल मीडिया काफी मैंने हम लोगों ने एक्टिव करने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोगों को सब जानकारी प्राप्त होती रहे। होता क्या है कि बच्चे थोड़ा सा ये सोचते हैं कि फॉलो करने में कि रहने दो, एक चीज कर लिया, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग फॉलो करके रखेंगे किसी न किसी सोशल मीडिया को, और हो सके तो दोनों तीनों जितने भी हैं ये, इनको सभी को करके रखेंगे, किसी एक से जानकारी नहीं मिली तो दूसरे से प्राप्त हो जाएगी, तीसरे से प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार की कोशिश करा जी। वैसे फॉलो करने में किसी का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, केवल एक निशान पे सब्सक्राइब करना है, कुछ नहीं लगता, और उससे आपको कहीं ना कहीं एड ऑन ही मिलेगा अगर आप इस लाइन में आना चाह रहे हैं तो। इसलिए इसमें बिल्कुल कंजूसी ना करें। जो भी अपने मीडिया चैनल बने हुए हैं इग्नू के, उनको जरूर फॉलो करें अपने जो हम जिस लाइन में जा रहे हैं। और हम तो पहले भी बताया आपको कि एक परिवार के रूप में मान के चलते हैं, कभी भी आपको कोई संशय हो हम हमेशा सेवा के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा थोड़ा बहुत निर्देश दिए जाएं तो उनका थोड़ा सा पालन भी कर लेना चाहिए आप लोगों को ना। सभी का धन्यवाद। नितिन जी बोलिए। हां जी सर, सर जो आपने योर स्टूडियो में वो लिंक भी था मैं, मतलब सचिन जी आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए। हां जी सर, सर जो आपका स्टूडियो वाला चैनल है ना, तो लिंक नहीं होता बंद। नहीं मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं सिर्फ। हेलो जी, स्टूडियो सॉरी, या तो आप अपना लिख दीजिए क्वेश्चन। यस सर। आवाज आ रही है सर? हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी सर, जो आपकी तरफ से YouTube स्टूडियो का लिंक है ना, वो नहीं खुलता। आप अगर ऐसा है तो इग्नू रीजनल सेंटर चंडीगढ़ YouTube के ऊपर सर्च कर लीजिए, इग्नू रीजनल सेंटर चंडीगढ़। अगर आपको इस प्रकार की परेशानी महसूस हो रही है ठीक है, थैंक यू सो मच सर। क्या ऐसी परेशानी सभी विद्यार्थियों को आ रही है? आपने भेजा है लिंक नहीं खुलता है, वहां पे कोई एरर शो करता है। देखिए कोई तकनीकी समस्या अगर आप लोग महसूस कर रहे हैं तो आप इस लिंक के माध्यम से ना भी करें तो इग्नू रीजनल सेंटर चंडीगढ़ यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो आरसी चंडीगढ़ के नाम से वहां पे शो कर जाएगा आपको, आप वहां पे जाकर इसको फॉलो कर। ठीक है जी। धन्यवाद डॉक्टर युधवीर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभी का, सभी विद्यार्थियों का भी आभार है। कल मिलते हैं, नमस्कार सभी को। ओम नमस्ते। Thank you.